नमस्कार जी, निशांत जैन से आप लोग सीधी वार्तालाप कर पाएंगे, उनके बारे में तो हम लोग जान ही रहे हैं, अभी चर्चा करेंगे। तो एक तो उनसे अपने वार्तालाप की चीज़ होगी, दूसरी बात कि उन्होंने इसी संदर्भ में एक पुस्तक भी लिखी और वह IAS कैसे बने, उस पुस्तक को भी यहाँ पर उन्होंने चाहा कि जहाँ से मैंने अध्ययन किया है वहीं से इसका विमोचन भी हो, इसलिए वह विमोचन का भी स्थान आज यहाँ पर उन्होंने निर्धारित किया, जिसके गवाह आप लोग बनेंगे। चूँकि ये एक बड़ी बात होती है किसी व्यक्ति के लिए कि वह जब पद पर पहुंच जाता है फिर भी वह अगर मुसाफिर से मिलना चाहे, यानी मंजिल पर पहुंचने के बाद भी अगर मुसाफिर की याद आती हो तो वास्तव में इस याद को सलाम करना चाहिए। इस पूरे वाक्य में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है जो आप उनके साथ भी अभी बातचीत करके सुन पाएंगे, समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति इस सफलता के पायदान पर आने से पहले इसी UPSC के अंतर्गत एग्जाम देते समय असफल भी हुए। 2013 में हुए प्रारंभिक परीक्षा में ही पूर्णतः सफल नहीं हो सके थे, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को कभी भी अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। ये भी अपने आप में व्यक्ति की एक बहुत बड़ी जिजीविषा होती है और यही उद्देश्य है इस पूरे वर्कशॉप को हम लोगों को करने का भी, कि एक तरफ अगर वो आपसे मिल रहे हैं तो आप कम से कम उनके इस सफलता के राह के प्रत्येक चरण से परिचित हो सकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सफलता केवल उसी वर्ष अर्जित हुई हो, लेकिन अगर वो किसी कारण से असफल हैं तो यह सफलता कमजोरी नहीं है, यह सफलता केवल अपने प्रयासों को पूरा करने के लिए लिया गया समय हो सकता है। और यही कारण है कि वे कम से कम अपने इस असफलता के आरंभिक क्षणिक चरण के बावजूद भारत की सर्वोच्च सेवा के लिए चयनित होकर अपनी उस सफलता को प्रमाणित कर गए कि असफलता के दौर में भी वे कम से कम अपने लक्ष्य के प्रति कभी डिग नहीं पाए, कभी किसी तरीके का कोई उनके अंदर व्यवधान नहीं आया। तो ये सारी बातें मैं ज़्यादा करूँगा, आपको लगेगा कि आप ही जो है लेने लगे क्लास पूरी, उससे बेटर है कि इस बात को हम लोग ख़त्म करें और खुद उनको बुलाएं। और इसीलिए कहा जा रहा होता है कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, वो समंदर आ गया है। तो प्लीज़ निशांत जैन और विकास देवकीर्ति सर, बैठिए। निशांत जैन इस समय मौजूद हैं, अपना कम से कम बहुमूल्य समय निकालते हुए वो आकर इन चीज़ों को बताएंगे, क्या करना है, कैसे तैयारी करनी, इस पुस्तक के संदर्भ में बातों को रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँगा विकास देवकीर्ति सर को। विकास सर, आप सभी का इस सेमिनार में स्वागत है। मेरा परिचय भी आपके साथ शायद पहली बार हो रहा है, क्योंकि जो नए विद्यार्थी हैं उनसे मेरा मिलना अंत में होता है। शुरुआत सबसे सॉफ्ट टीचर जो हमारे हैं, सबसे प्यारे टीचर हैं, वो करते हैं। तो हम तो आज सेमिनार तो है ही, उसके अलावा एक प्रयोजन और भी था। कुछ दिन पहले निशांत ने किताब लिखी, निशांत और मैंने मिलकर किताब लिखी थी करीब एक साल पहले, निबंध के बारे में, निबंध दृष्टि, वो शायद मिली भी होगी आप लोगों को। उसके बाद निशांत ने एक किताब और लिखी है जो अभी छप के आई है कुछ दिन पहले, और वो सीधे सीधे UPSC के बारे में है, मुझे बनना है UPSC टॉपर। तो मैं चाहूँगा कि रितेश जी और अखिल जी यहाँ पर हैं, वो विमोचन करें पुस्तक का, और प्लीज़ आइए।
मेरा निशान से परिचय करीब 5-6 साल पहले का है, जब ये पहली बार यहाँ विद्यार्थी बनकर आए। उन दिनों में हिंदी साहित्य नाम का एक विषय पढ़ाया करता था, तो ये हिंदी साहित्य के विद्यार्थी बनकर आए थे। तो वो 3-3.5 महीने का जो बैच था, या 4 महीने का लगभग, उसमें रोज़ की बातें, मुलाकातें, और ये क्लास के सबसे जिंदा दिल, मेधावी और जो अच्छे टाइप के बच्चे होते हैं उस तरह के बच्चे थे कि क्लास में सवाल पूछना, सवालों का जवाब देना, हर बात पे एक शेर सुना देना, कोई मुद्दा हो तो कविता सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहना, मंच पे आने का मौका मिले तो माइक ऐसा पकड़ना कि माइक ना छोड़ना। तो ये सब इनके कुछ अदाएँ थी जिससे हम लोग अच्छे दोस्त बन गए बाद में। बाद में निबंध, जीएस, इंटरव्यू, हर दौर में हम लोग साथ में रहे, डिस्कस करते रहे। पहले अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स का मामला अटका। इनको लेकर मेरी राय ये थी, कई लोगों को लेकर होती है, कि अगर प्रीलिम्स वो निकाल लेंगे तो उनको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो राइटिंग स्किल्स हैं और ख़ुद को प्रेजेंट करने के स्किल्स हैं, अगर वो किसी में बहुत अच्छी हैं तो उसके लिए केवल और केवल प्रीलिम्स ही दिक्कत है और कुछ दिक्कत नहीं। इनको लेकर जो हमारी समझ थी, बल्कि मुझसे ज़्यादा दृष्टि में जो CEO हैं, मैनेजमेंट के हेड हैं, शिवेश जी, उनकी समझ इस मामले में मुझसे ज़्यादा स्पष्ट थी कि निशांत का प्रीलिम्स होगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। और वही हुआ, दूसरे प्रयास में प्रीलिम्स हुआ और उसके बाद 13वां रैंक, जो हिंदी माध्यम का नए ट्रेंड में, यानी 2013 के बाद अब तक का सबसे ऊंचा रैंक है। और हिंदी माध्यम में बहुत रेयर है आजकल के नए ट्रेंड में इतना अच्छा रैंक लेना। और एक छोटा सा दुर्भाग्य हुआ इंटरव्यू में, जिस साल इनका सिलेक्शन हुआ, हिंदी साहित्य में तो इनका जो लिखने का तरीका था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था ही, भाषा शब्दावली बहुत कसी हुई जैसा होना चाहिए। तो हिंदी में इन्होंने करीब 313 अंक हासिल किए, जो आजकल आप जानते हैं 500 में से 250 अंक भी किसी विषय में हासिल करना बहुत बड़ी बात है। ये 313 अंक लेके आ गए। निबंध में 160 अंक लेके आ गए, जबकि निबंध में 120-130 के बाद लोग खुश हो जाते हैं कि हमने काफ़ी अच्छा कर लिया। इथिक्स में, GS में इन्होंने कमाल किया, 123 शायद मेरे ख्याल अंक इनके से, 124 अंक से इथिक्स में, जो कि हिंदी माध्यम में तो रेयर मार्क्स हैं। उस साल जब इन्होंने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू से पहले मिलना हुआ था हमारा, बाद में एक बार ये आए कि सर मैं अपना इंटरव्यू सुनाना चाहता हूँ आपको। मैं उस दिन थोड़ा सा व्यस्त था, कहीं जा रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, काम करो, कार में बैठो, मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे घर के पास से निकलूँगा, तुम्हें वहाँ छोड़ते हुए रास्ते में अपना इंटरव्यू सुनाऊँ पूरा। तो उन्होंने करीब आधा पौना घंटा पूरा इंटरव्यू सुनाया। करोल बाग के पास इनको रुकना था हॉस्टल में, वहाँ मैंने इनको छोड़ा। क्वेश्चंस आंसर तो ऐसे थे इंटरव्यू के, मुझे लगता था कि 180-190 के करीब स्कोर मिलना चाहिए। अगर उतना स्कोर होता तो मेरे ख्याल से इनका दूसरा रैंक तो होता ही होता, शायद पहला रैंक भी आ जाता। मतलब हिंदी माध्यम के अब तक के दो बड़े दुर्भाग्य ये हुए कि 2 बार या 3 बार पहला रैंक आते आते मिस हुआ। एक इन्हीं के कैडर में कृष्णकांत पाठक नाम के व्यक्ति हैं, इनसे करीब 15 साल सीनियर होंगे लगभग। वो जब दृष्टि की स्थापना हुई तो 2-3 साल के विद्यार्थी थे, उनको 15वां रैंक मिला IAS में। और जिस साल 15वां रैंक मिला, उस साल उनके निबंध में 200 में से 65 नंबर आए, जबकि उससे पिछले साल निबंध में 200 में से 165 नंबर थे। तो मैं उनसे कई बार कहता हूँ कि अगर वो वाले नंबर इस साल आ गए होते तो पहला रैंक हिंदी माध्यम को मिल जाता। ऐसी 2008 में किरण कौशल 3रे रैंक पे थी, और उनकी जो पर्सनैलिटी थी, मेरा ख्याल है कि अगर इंटरव्यू में जैसे 240 से कम नंबर 300 में से उनको नहीं मिलने चाहिए थे, 215 ही मिल पाए, अगर वो 25 नंबर और मिल जाते तो शायद पहला रैंक आ गया होता। निशांत के मामले में अगर इंटरव्यू में जितना ये डिज़र्व करते थे अगर उतना ही मिल जाता तो पहला या दूसरा रैंक हिंदी माध्यम को मिल गया होता। बहरहाल सफलता सफलता है, वो IAS बने, राजस्थान एक बहुत शानदार कैडर है, वो उनको मिला है। इनकी सबसे मज़ेदार बातों में ये है कि जिंदा दिल व्यक्ति हैं, इन बातों से बहुत दिल पे नहीं लगाते कि क्या नहीं हुआ जीवन में, जो हुआ उसे एंजॉय करना, उसमें डूबना और उसे निभाना ठीक तरीके से। मुझे पूरा विश्वास है कि IAS बने तो IAS को भी ठीक से निभाएंगे। और केवल इस रूप में जाने जाना कि हिंदी माध्यम के टॉपर हैं एक समय तक संतोष देगा, एक समय के बाद तो ये संतोष देगा कि दुनिया ये कहे कि भारत के सबसे शानदार IAS लोगों में से एक हैं, सबसे शानदार IAS हैं। और मुझे लगता है कि जो कुछ IAS अधिकारी दृष्टि से निकले, दृष्टि से बहुत लोग IAS IPS बने, लेकिन उनमें से कुछ लोग जिनको लेकर मुझे लगता है कि ये
अपने काम में कुछ कमाल करने वाले हैं, उनमें से एक निशांत भी हैं, लिखते अच्छा हैं, इस किताब में भी अच्छा लिखा है, और मैं कुल मिलाकर एक विद्यार्थी से शुरू करके यात्रा एक दोस्त पर आज भी इनके साथ हूँ। बल्कि एक रोचक बात यह है कि बीच में दृष्टि की मैगजीन जो आप पढ़ते हैं उस मैगजीन के लिए इन्होंने काम भी किया है हमारे साथ। जब इनका सिलेक्शन हुआ उससे कुछ महीने पहले से ये हमारे साथ जुड़े हुए थे और मैगजीन के लिए, दृष्टि नोट्स के लिए अपने इनपुट्स दे रहे थे। तो तरह तरह के संबंध हैं और इनसे आप जब बातचीत करेंगे तो बहुत फॉर्मल होकर बातचीत नहीं करनी है, इस भाव से बात करनी है कि आपका बड़ा भाई आपसे मिलने आया है और आपको पूरा हक है, और पूरा हक ये है कि जिद करके जो भी आप पूछना चाहें इनसे पूछें, और डेढ़ दो ढाई घंटे आपके साथ हैं, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आपके साथ हैं, आप आराम से इनसे बातचीत करें। तो मैं इसके साथ ही विदा लूंगा और निशांत अपनी बात रखेंगे। आइए। नमस्कार। आप में से ज्यादातर लोग मुझसे पहली बार मिल रहे होंगे ना, खैर तो बिल्कुल इनफॉर्मल रहना है, बिल्कुल एकदम जैसे घर में मस्ती से आसपास में बात करते हैं ऐसे ही हम बात करेंगे। कोई ज्ञान कोट एंड कोट आपको ज़्यादा नहीं देंगे, केवल एक बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, और उसमें फिर बाद में जो जब मैं अपनी बात कह दूंगा उसके बाद जैसे सवाल आप पूछेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आगे की बात कैसी होगी। तो वो आपके ऊपर ज़्यादा निर्भर करेगा कि आप किस तरह के सवाल पूछते हैं और क्या निकलवा पाते हैं। ठीक है, ये आपने देखा ये किताब, इसका अभी विमोचन हुआ। ये किताब का मतलब ये नहीं है कि कैसे मैं आईएएस बना, इस किताब का मतलब है कि कैसे आप आईएएस बने, यानी कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को लेकर जो भी सवाल उठ सकते हैं उन सबका जवाब देने की इस किताब में कोशिश की गई है। 18 चैप्टर्स हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, लैंग्वेज, राइटिंग स्किल, एसे, एथिक्स, ऑप्शनल, करंट अफेयर, सबके ऊपर एक एक चैप्टर है। साथ में कुछ ऐसी सफलता की कहानियां भी एक चैप्टर में जो शायद आपको चौंका देंगी, हिंदी पट्टी की कुछ ऐसी कहानियां जो किस तरह से अभावों के बावजूद लोगों ने सिविल सेवा में सफलता हासिल की, मेरी खुद की कहानी भी है, और एंड में ट्रेनिंग के कुछ अनुभव भी हैं। तो इस तरह से अपने आप में एक पूरी कंप्लीट किताब है। तो हम बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं अक्सर हम लोग आपस में पूछते हैं कि भाई इस सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी आखिर हम क्यों कर रहे हैं, 2 मिनट में बात करेंगे बस इस बारे में। आप में से कोई एक बताएं कि क्यों कर रहे हैं तैयारी, एक दो लोग बताएं कोई जिनको अभी कोई ध्यान में आ रहा हो कि क्यों आए हैं तैयारी करने। जो गरीब लोग हैं उनके पास, बड़े लोगों के पास पहुंचने की ताकत नहीं होती है, थाने में जाने की पावर नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए मैं ये काम करना चाहता हूँ ताकि वो लोगों को विश्वास हो कि पुलिस प्रशासन अच्छी तरह से कार्य करता है और वो विश्वास के साथ जिए। ठीक है, एक और कोई बताएं, इधर ये मैडम आप बताइए। मैं ऐसे समाज से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को एजुकेशन देने के लिए मना करते हैं। मैं उनके लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ कि लड़कियाँ जो चाहे वो कर सकती हैं अगर बाहर निकल रही हैं। अगर वो बाहर निकल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गलत करने निकल रही हैं। बस इसी बात को और ऐसे जो बिल्कुल तड़प रही हूँ बताने के लिए कि मैंने क्यों तैयारी की, बिल्कुल हाशिए पर है जो व्यक्ति हमारे समाज के बिल्कुल हाशिए पर है, जिनकी पहचान हमारे समाज में कुछ भी नहीं है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। और दूसरी बात, ये इतने सालों में हम लोग बहुत कुछ प्राप्त किए देश में, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि हमें उस लक्ष्य तक मुकाम हासिल करना है जहां हम आज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो कई समस्याएं हमारे देश में आज भी विद्यमान जिनको मैं। और सर एक अंतिम बात, सर हम लाखों जिंदगी मनाना चाहते सर, ना कि लाख रुपये कमाना चाहते हैं। 5 लाख रुपये ठीक है, बस आ जाइए वापस आ जाइए। तो उत्तर ज़्यादातर अच्छा, आप कुछ कहना चाह रही हैं, ठीक है बताएं। आई वॉन्ट्स टू बिकम आईएएस ऑफिसर बिकॉज फॉर द एक्सप्लॉइट एंड डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक, देखो ये इतना बड़ा मोटिवेशन है इन मैडम के लिए कि आप बिना दबाव के पढ़ पाती हैं। जो उत्तर मेरे सामने आए वो ज़्यादातर सिमिलर से हैं कि ज़्यादातर लोगों ने जो कहा मोटे तौर पर वो ये था कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो हाशिए पर जो लोग हैं जिसमें महिलाएँ, वरिष्ठ नागरिक, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, फिजिकली डिसेबल्ड, सीमांत कृषक, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, इन सब के लिए आप लोग काम करना चाहते हैं, और एक ऐसा भी आया कि विकसित देश बनाना चाहते हैं। वो कई तरीके से हो सकता है, जैसे उद्योग में बढ़ाकर या गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको ऊपर उठाकर। तो आपने ज़्यादातर उत्तर जो दिए वो सेम दिए। तो एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आईएएस
कि जो हम तैयारी कर रहे हैं या जो हम आईएएस बनना चाहते हैं या बन गए हैं, तो वो एक तरीका है इनमें से, एकमात्र नहीं है। पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो जितनी भी आप समाज सेवा करना चाहते हैं या जो भी अपने प्राइड ऊंचा करना चाहते हैं अपने सोसाइटी का, महिला होने के नाते आप एक मिसाल बनना चाहते हैं, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा तरीका है। जैसा कि जब हम पढ़ते थे तो सर कहा करते थे भारत में एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको पास करके आप रातों रात अपनी क्लास बदल सकते हैं और बिना चुनाव लड़े मतलब ऐसी शोहरत प्राप्त कर सकते हैं। है ना? तो लेकिन ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था, मैं क्यों पूछा मैंने आपसे कि आप क्यों तैयारी करने आए हैं, अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन लेवल है, मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी तो मजाक की बात अलग है, लेकिन मैं सीरियस नोट पर कहूँगा, जैसे इन मैडम ने बताया कि मैं, तो हो सकता है कि इनके अंदर वो मोटिवेशन लेवल सच में हो जिसकी वजह से ये बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, मम्मी पापा के कहे बिना, टीचर्स के मोटिवेट किए बिना पढ़ रही हैं। तो इस तरह से हम में से जिन लोगों में ये एनफ मोटिवेशन लेवल है, तो वो क्या होता है, जैसे मान लो मेरा ड्रीम है आईएएस बनना, अब मुझे तमाम मुश्किलें भी उसके रास्ते में आई हैं, मान लो सपोज कोई चरण ऐसा रहा जब मैं फेल हो गया, या मुझे जिस तरह से मैं तैयारी करना चाहता था प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पाए, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी को, कोई ऐसी लड़की है जिसको गांव वालों ने बाहर ही नहीं निकलने दिया, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हुए, हो सकता है वो अपीयर होते तो बन जाते। तो जब वो आपका ड्रीम जो सच्चा ड्रीम है ना मन से, और उसके लिए आपके पास मोटिवेशन है कि मुझे ये करना है बनने के बाद, आपके फंडे क्लियर हैं, आपका विज़न क्लियर है, लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आपका विज़न क्लियर है और आपका मोटिवेशन अंदर से जो अंतः प्रेरणा का स्तर है वो मजबूत है, तो निश्चित रूप से आपको जो रास्ते में मुश्किलें आएंगी, जो समस्याएं आएंगी, उनको झेलने में बहुत आसानी होगी और आप सारी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले अपने को ये मन में खुद ही सोचना है, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है, भले ही आपको मम्मी पापा ने भेजा हो। ठीक है? तो इसी तरह से मैं चाहूँगा कि वही कि क्यों तैयारी कर रहे हैं ये खुद को पता होना चाहिए, भले ही आपके माँ बाप ने आप में सपना भरा होगा, और आप में से जितने भी लोग होंगे वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने मोहल्ले के, अपने गली के, अपने स्कूल के टॉपर होंगे, हैं? तभी तो कहा होगा पड़ोसियों ने भाई इसको आईएएस की तैयारी कराओ, हैं? तो लेकिन आपको भले ही उन्होंने सपना आपके अंदर भरा हो, पर आपको खुद ही क्लियर होना चाहिए कि मुझे अगर आईएएस बनना है तो मुझे क्यों बनना है और मुझे अपने लिए आईएएस बनना है। ठीक है? तो इस चीज़ को क्लियर करके फिर हम आगे बढ़े तैयारी की राह पे। और उसके बाद जैसा कि आप सबको पता ही है, आप में से ज़्यादातर लोग, कितने दिन हो गए कोचिंग स्टार्ट हुए, जो लोग अगले साल देंगे प्रीलिम्स, कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए, तो आप तो पर्याप्त हैं, 5 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, सुनिए सुनिए, तो आप खुद भी पर्याप्त अनुभव रखते हैं, ऐसा मतलब बिल्कुल नौसीखिए नहीं है, है ना? तो पैटर्न की और ट्रेंड की आपको जानकारी है, एक तो आप ये ध्यान रखें जब भी तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का एक बेसिक फंडा ये होता है, सबसे पहले उसके सिलेबस को पढ़ें नहीं, उसके सिलेबस का अच्छे से मनन करें। जो सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो प्री का ही सिलेबस देखेंगे, प्री का और मेंस का और इवन इंटरव्यू का, तीनों का सिलेबस जो है उसको आप अच्छे से पढ़ लें, पढ़ के उसको अच्छे से कई बार पढ़ें और पढ़कर देखें कि सिलेबस का जो की जो मांग है या सिलेबस का जो मर्म है, एसेंस है, वो क्या है। उसके बाद आप कोशिश करें कि पिछले, विशेष तौर पे मैं कहूँगा 5 सालों के प्रश्न पत्र जो हैं प्री के भी और मेंस के भी, वो आप ले लें, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी ले लें और उनको नियमित तौर पे देखते रहें। तो उससे क्या होगा कि आपको ये अंदाज़ा और ये समझने में मदद मिलेगी। कई बार मैंने बहुत छात्रों को ऐसा देखा है, आप में से कई लोग अभी भी ऐसे होंगे जो 8 महीने तैयारी करते हो गए लेकिन पिछले सालों के प्रश्न पत्र देखने का अभी तक उनको समय नहीं मिला, हैं ऐसे लोग, है ना? ऐसा नहीं करना है, आप यहाँ से क्लास से जाने के बाद एक बार पिछले सालों के 5 सालों के प्रश्न पत्र खरीदें और उनको, भले ही आपको नहीं आता हो, उनसे उनको देखे घबराएं भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है उनको आपको देखकर लगे यार ये तो मेरे बस का रोग नहीं है, है ना? उनको देख के आप एक बार फिर भी देखें जरूर कि आखिर किस तरह के प्रश्न पत्र आते हैं, किस प्रश्न आते हैं और जो परीक्षा की उसकी क्या मांग होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और तैयारी की शुरुआत आप कर चुके हैं तो उसके लिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी अगर आप कोचिंग में हैं, अभी सभी लोग दृष्टि में एनरोल्ड हैं, तो यहाँ जो मिल रहा है उसके अलावा फिर भी अपने आँख का नाप खुले रखें। आई होप कि
योजना आप लोग देख रहे होंगे या उसका भी दृष्टि में मिल जाता है, उसी मिल जाता है आपको, तो कैप्सूल मिल जाता है बिल्कुल एकदम सारा, है ना। तो इसके अलावा फिर भी आप कभी कभी टीवी देखते होंगे तो राज्यसभा टीवी पे काफ़ी अच्छी डिबेट्स आती हैं, तो वो तो आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। और दृष्टि की वेबसाइट भी अब काफ़ी अपडेटेड हो गई है और कुछ वीडियोज़ भी आने लगे हैं, है ना। तो फिर भी मेरा कहने का मतलब यही रहेगा कि आप ये मान के चलें कि जो पेपर आता है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए एक ही होता है ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए, मुखर्जी नगर वालों के लिए अलग पेपर नहीं बनता, एक ही पेपर होता है। तो इसलिए अपनी तैयारी को अप टू डेट रखें, डायनेमिक रखें और आसपास भी अपने आँख कान खुले रखें। अगर आपको सच में लगता है कि कोई ऑथेंटिक सोर्स है, ऐसा प्रामाणिक सोर्स है, मान लीजिए कोई भारत सरकार का कोई अच्छा, जैसे इंडिया एयरबुक है फॉर एग्जाम्पल, योजना है, कुरुक्षेत्र है, एनसीईआरटी है ऑफ कोर्स, तो इन सब को भी आप देखते रहें जहां आपको ज़रूरत महसूस हो। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बम्बार्टमेंट भी नहीं होनी चाहिए सोर्सेज की। फॉर एग्जाम्पल आप ऑलरेडी दृष्टि में काफ़ी सारा कंटेंट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, मैं बार बार इस बात को कहता भी हूँ कि एक किताब को 10 बार पढ़ना अच्छा होता है, ना कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने, ठीक है। इट इज़ बेटर टू रीड 1 book for 10 times देन टू रीड 10 books for 1 time। हम लोग अक्सर ये करते हैं, जो बड़ी गलती हम लोग करते हैं वही कि हमें ये लगता है कि भाई जितनी ज़्यादा किताबें होंगी उतना ही ज़्यादा ज्ञान का प्रदर्शन किया जा सकेगा, शक्ति प्रदर्शन। जैसे हम क्या करते हैं भाई, आप किसी के रूम में जाइए, दूसरे मुखर्जी नगर मैंने बहुत देखा है ये, आप किसी दूसरे साथी के रूम में जाइए तो वहाँ इतना बड़ा एक पुस्तकालय ज्ञान का आगार होगा कि आप खुद ही आतंकित हो जाएंगे। होता है ऐसा? अपने को ऐसा नहीं करना है, कम पढ़ना है, उसको गुनना है, उसका मनन करना है, उसको रिवाइज करना है और उसको प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कंटेंट को फैलाएं नहीं, कंटेंट को समेटने की कोशिश करें और उसी को बार बार रिवाइज करने का अभ्यास करें। अब उसी रिवाइज करने के दौरान जो दूसरी बात आएगी वो आएगी लिखने की। हम में से अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे क्लास में जिनको 8 महीने या 5 महीने हुए हैं कोचिंग करते हुए, वे क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? लिखवाया जाता है यहाँ पे, है ना, तो वो लिखते हैं आप। उसके अलावा खुद भी शौकिया कभी कभी लिखिए, जैसे कोई आपने UPSC का पिछले साल के पेपर मंगाए, उसमें आपने निबंध का पेपर मंगा लिया और निबंध का पेपर मंगाया, कोई भी टॉपिक लेके अपना लिखना शुरू कर दिया, कोई भी जनरल टॉपिक लिया और आज 1.5 घंटे में निबंध लिखना होता है एक, अब क्योंकि 3 घंटे में 2 निबंध लिखने होते हैं, तो आप एक ये आदत बना लीजिए कि भाई मुझे तो हर हफ्ते या हर 15 दिन में एक बार 1 या 2 निबंध आराम से बैठकर लिखना है। जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है ना, और उसको हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं कि वरना बीमारी ठीक नहीं होगी, तो इसी तरह से ना लिखने की जो ये बीमारी है ना, या लेखन कौशल से डरने की जो बीमारी है, उससे निपटने का एक ही तरीका है कि और ज़्यादा लिखा जाए। तो आप ये नियम बना लें कि मुझे हर हफ्ते या हर 15 दिन में 1 या 2 निबंध और 3-4 केस स्टडी लिखनी ही है, चाहे कुछ हो जाए, गलत सही कैसी भी लिखनी है अपने को। ये अभ्यास जरूर कर लें, इससे लिखते लिखते भी याद हो जाता है ना, तो इससे रिवीजन भी होगा और साथ में जो लेखन कौशल को लेकर तनाव है, मैं कई बार देखता हूँ लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं कि भाई आखिर UPSC में कैसे विश्लेषण करना होता है, मतलब मुझे खुद भी नहीं पता, मतलब इतना ज़्यादा डरा देते हैं लोग, मतलब कि, तो ऐसा कुछ नहीं है कि UPSC में कोई विशेष प्रकार का कोई विश्वविद्यालय के शोधार्थियों जैसा या प्रोफेसरों जैसा विश्लेषण करना होता है, ऐसा नहीं है। या आप कहें कि भाई UPSC में किस तरह लिखना होता है, निशांत जैन ने किस तरह लिखा था जो उनके इतने अंक आए, तो वो तो नमूने के लिए आपको कुछ चीज़ें मिल भी गई होंगी मैं कैसे लिखता था, पर फिर भी ऐसा कोई मतलब दुर्लभ चीज़ या असंभव चीज़ नहीं है। अगर आप जो मैंने आपको बताया है कि आप रेगुलरली हर हफ्ते हर 15 दिन में निबंध और केस स्टडी का अभ्यास करें और बाकी जो क्लास में दिया जा रहा है उसको अगर आप लिखते रहे ठीक से, तो वो लेखन कौशल आपका डेवलप हो सकता है। वो बात अलग है कि बिल्कुल सबका अपना अपना एक मौलिक शैली होती है हर आदमी की। हो सकता है आप बिल्कुल मेरे जैसा ना लिखें, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप बिल्कुल मेरे जैसा कॉपी करें, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। आप चाहें कि भाई जैसी शैली निशांत जैन की, हम तो वैसी ही शैली में लिखेंगे, तो वो मौलिकता सबकी अपनी अपनी होती है। उसके लिए आप कोशिश करें कि अगर आप चाहें तो उसको अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम वैसे ही लिखें। लेकिन लेखन कौशल का विकास करने के लिए ये बात आप गांठ बांध लें कि आप नियमित तौर पर लिखेंगे। आप मुझे ये वादा दे कर सकते हैं क्या अभी बताओ, या यही है कि योजना मंत्री बन के कुछ दिन तक अच्छी योजना बनाएंगे
और बाद में सब डब्बा गोल कर देंगे, हैं? ऐसा होता है ना शुरू शुरू में जब आते हैं बड़े जोश में एकदम कि वो हमें सेवा करनी है, समाज सेवा, गरीबों के लिए काम करना है, तो उसके लिए क्या एकदम से जोश से भरपूर रहते हैं एकदम, मतलब पैर जमीन पे भी नहीं पड़ते। तो उस समय ऐसा लगता है कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे और इतना सारा मटेरियल लेके आ जाते हैं, वो मुखर्जी नगर में घूमते थे कुमार की तरफ उधर उधर। तो जो भी नई किताब आती है, जो भी नया किसी भी पब्लिकेशन का, इलाहाबाद से, पटना से, यहाँ से, सब अपने घर में ले आते हैं रूम पे, और हम सोचते हैं कि पता नहीं कितने बड़े 30 मार्खा बन गए। तो वैसा अपने को नहीं करना है, ठीक है? हमें ऐसे केवल एक जैसे भेड़ भेड़ चाल होती है ना, एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ चलती रहती है, वैसे अपने को नहीं करना, थोड़ा सा विवेक का भी इस्तेमाल करना है। हम सब ग्रेजुएट्स हैं, है ना? क्या लिखा है सिलेबस में, एक लाइन लिखी रहती है कि उस स्तर का ज्ञान जिसकी एक स्नातक से अपेक्षा की जाती है। तो हालांकि भारतीय विश्वविद्यालयों के स्नातक से बहुत ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यार इतनी मिनिमम अपेक्षा तो कर ही सकते हैं, है ना, कि अपने को इतना विवेक और इतनी थोड़ी सामान्य बुद्धि हो कि हम थोड़ी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें और एकदम से दूसरे के कॉपी कैट ना बने, नकलची ना बने एकदम, कि जहां जिसको देखा वहीं पे एकदम एक ने कुछ कहा दूसरे ने कुछ कहा, एक ना अपना कोई पथ ही नहीं है। जैसे मैं जब मैं आया था ना मुखर्जी नगर में, तो मैं भी ऐसे बहुत कन्फ्यूज हो जाता था, मतलब इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर वो हिंदी साहित्य में फ़ायदा पढ़ने का सबसे बड़ा ये होता है कि बहुत सारी पंक्तियों में ऐसी बात मिल जाती है जिनसे जीवन का सार मिल जाता है। तो जब गड़बड़ होती थी तभी संयोग से कोई ऐसी पंक्ति मिल जाती थी। जैसे जब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता था कि क्या करना है, किस राह पर आगे बढ़ना है, तो हरिवंश राय बच्चन की 4 पंक्तियाँ मिल गई कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, सब अलग अलग ही बताते, कोई ऐसा मिला जो आपको सही पथ बता, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। ऐसा मत समझना कि मैं शराबबंदी के विरोध में हूँ, ठीक है? ठीक है, माध्यम चुनने को लेकर आपको कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है ना? सभी बताओ, किसी को है समस्या क्या? पूछेंगे चलो बाद में क्वेश्चंस में, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सबका हिंदी माध्यम है, तो आप हिंदी माध्यम के अगर हैं भी और आपने हिंदी माध्यम चुना है, तो आप ये मत समझे कि किसी मजबूरी में आपने ये माध्यम लिया है। मैं चाहता हूँ कि आपका ये माध्यम आपकी चॉइस से चुना हो आपने, समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम में से अगर कोई जैसे मजबूरी बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है ना, मजबूरी इज़ नॉट अ गुड थिंग, मजबूरी से मजबूती की ओर बढ़ने के लिए तो कर रहे हैं ना हम। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी माध्यम आपने चुना है या आप चुनने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे मजबूती से चुने, मजबूरी में ना चुने। अगर आपको लगता है कि हिंदी भाषा जो है या जो उसका व्याकरण है वो आपको मोटे तौर पर ठीक ठाक आता है, आप हिंदी आसानी से पढ़ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस किताब का अगर मैं एक पेज आपको दूं तो आप उसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, और अगर आपको लिखने को कहा जाए तो आप बिना ज़्यादा गलतियों के, ऐसा नहीं कि आप हर सेंटेंस में मात्रा कहीं जा रही है तो वो वैसा गड़बड़ हो जाएगा, आप ठीक ठाक लिख लेते हैं तभी आप हिंदी माध्यम चुने, ठीक है? अब हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों कि भाई ना तो उस तरह की ठीक ठाक हिंदी आती ना ठीक ठाक इंग्लिश आती, तो कौन सा माध्यम चुने, हैं? ऐसा होता है ना, हिंदी मीडियम वालों के साथ फॉर्चुनेटली ऐसा ज़्यादा नहीं होता, इंग्लिश मीडियम वालों के साथ ज़्यादा होता है, उनमें से कई लोगों को ज़्यादातर ना तो ठीक से इंग्लिश आती है ना ज़्यादातर हिंदी आती है, तो कई बार ऐसी समस्या आ जाती है। तो आपने अगर हिंदी माध्यम चुना है, मैं आपसे एक अपेक्षा जरूर करूँगा, एक आग्रह भी करूँगा कि आप हिंदी को अगर अभी ठीक से नहीं पढ़ पाते हो, ठीक से नहीं लिख पाते हो, तो उसका भी अभ्यास करें, और वो लिखने और पढ़ने से ही होगा, ठीक है? और एक बात मैं आपको और बताऊं, टॉपर्स में जो चीज़ें कॉमन होती हैं, जो मैंने महसूस की अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी, जब मैं यहाँ से जाने के बाद एकेडमी में लोगों से मिला, कि जितने भी लोग जिनकी रैंक बहुत अच्छी थी, उनमें एक बात बहुत कॉमन थी कि वो लिखते बहुत अच्छा है, उनकी वोकैबलरी बहुत अच्छी है, वो जब पैराग्राफ बनाते हैं तो लेखन में एक अच्छा प्रवाह होता है और वो अपनी बात को कम शब्दों में अच्छे से लिख पाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाती है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसके लिए भाषा का वो कौशल, वो स्किल अगर आपको विकसित करना है, तो दो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक तो लेखन कौशल इंप्रूव करना, जिसकी बात मैंने अभी आपसे की थी, जिसके लिए आप क्या करेंगे बताइए? नियमित रूप से लिखेंगे, कम से कम हफ्ते में एक निबंध लिखेंगे और 2-3 केस स्टडी लिखेंगे। इसके अलावा जो अलग से जीएस में लिख रहे हैं वो तो लिखेंगे ही। इसके अलावा आप क्या करेंगे? आप रीडिंग हैबिट डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे रीडिंग हैबिट डेवलप?
रीडिंग हैबिट का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट बुक है, जैसे मान लो जो आपको यहाँ कंटेंट मिला या जो एनसीईआरटी मिली आपको, जो भी है, उसके अलावा भी क्या कभी आप कुछ और पढ़ते हैं? कोई लिटरेचर, कोई नॉन फिक्शन, कोई फिक्शन, कोई मैगजीन, जनरल इंटरेस्ट पढ़ते हैं क्या? कितने प्रतिशत लोग पढ़ते हैं? क्या बात है, तालियां, वाह, मजा आ गया, मेरा मन प्रसन्न हो गया, है ना। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब हमारे पास टीवी और इंटरनेट ज़्यादा नहीं था तो अब हम लोग अपना मनोरंजन भी किताबों से ही करते थे, है ना। तो लेकिन अब वो चूंकि रीडिंग हैबिट, ये आपकी समस्या नहीं है, ये पूरे देश की, पूरी दुनिया की समस्या है। आजकल बुक कल्चर कम होता जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ऐसे ही बुक पे पढ़ें, आप किंडल पे भी पढ़ सकते हैं, मतलब मेरे को उससे आपत्ति नहीं है, पर आप शब्द पढ़ें, क्योंकि तो शब्दों से ही आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, और अच्छे लेखकों को पढ़ेंगे तो अच्छा राइटिंग स्किल भी डेवलप होगा। क्या होता है, हम में एक बेसिक टेंडेंसी होती है साइकोलॉजी के हिसाब से, इमिटेशन यानी अनुकरण करते हैं हम। जैसे आप, एक कहावत है कि सोच समझकर अपनी कंपनी चुने, तो ये कंपनी का अनजाने ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह से आप जिस लेखक की किताब पढ़ रहे हैं, आप जाने अनजाने में, पता चला आप ये किताब पढ़ रहे हैं, जाने अनजाने पता चला क्या प्रभाव पड़ जाए आपके लेखन कौशल पे, वो पता, वो अपने आप ही इम्बाइब हो जाता है, वो आपको खुद पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ों पर आप ध्यान दें, एक तो अच्छा पढ़ें, दूसरे अच्छा लिखें, ठीक है। एक तो आप, सबसे पहले मैं कहूँगा जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, हम सभी लोग हिंदी माध्यम के ही हैं, हम में एक आस्था की कमी की समस्या, आस्था मतलब हनुमान जी पे आस्था नहीं कह रहा, आस्था का मतलब है खुद पर आस्था, सिस्टम पर आस्था, शिक्षक पर आस्था, यूपीएससी पर आस्था, अपने माध्यम पर आस्था, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर आस्था, सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न पर आस्था। ये जो आस्थाएँ हैं हमारी बड़ी कमज़ोर सी रहती हैं, हम लोग घबरा जाते हैं और हमें लगता है कि ये जो सिस्टम है इसमें हमारा सिलेक्शन तो लगभग असंभव ही है। भैया, अगर लगभग असंभव ही है आपका सिलेक्शन, आपने पहले ही मान लिया है, तो आप क्यों अपना समय, अपना ऊर्जा, अपना पैसा व्यर्थ कर रहे हैं, बताइए आप मुझे। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अपनी आस्था और अपनी जिजीविषा, जिजीविषा का मतलब जीने की इच्छा, एक अदम्य जीवट या एक जुनून या एक जज्बा या फिर एक सकारात्मकता, उसको आप बनाकर रखें और उसको सस्टेन भी करें। ऐसा नहीं कि कुछ दिन अभी, जैसे आज मुझसे मिले तो एकदम, अभी तो देखना, अभी बाद में जब निकल के जाएंगे यहाँ से तो बड़े जोश से भरपूर एकदम है, लेकिन उसको सस्टेन भी करना है। तो वो जो आस्था है सिस्टम के ऊपर और पैटर्न के ऊपर या परीक्षा के ऊपर, उसको आप खुद कभी आजमा के देखना। अगर आपने कभी किसी उत्तर को ये सोचकर लिखा कि मेरा उत्तर, मुझे उत्तर लिखना आता ही नहीं है और मैं जो लिखूंगा, मेरी वोकैबुलरी भी अच्छी नहीं है, भाषा की गलतियां भी करता हूँ, तो मेरा उत्तर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। आप ये सोचकर एक उत्तर लिखें, फिर उसके बाद कभी एक उत्तर ऐसे लिखकर देखें कि मैं जो भी लिखूंगा इतना भी बुरा नहीं है, ठीक ठाक मैं लिख लूंगा और हो सकता है अच्छा ही लिख लूं। तो दोनों उत्तरों की गुणवत्ता में अंतर मिलेगा आपको। तो जब हम मुख्य परीक्षा के या प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा कक्ष में जाते हैं, तो हम बाकी लोगों को देखकर, वहाँ पर भी बीच बीच में इंग्लिश मीडियम वाले भी तो बैठे होते हैं ना, कोई बी कॉपी मांग रहा है, कोई सी कॉपी मांग रहा है, तो एक अलग तरह के तनाव में हम आने लगते हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ना हो। आप ये कोशिश करें कि आपकी आस्था खुद पर और प्रणाली पर बनी रहे, और आप ये मानकर चलें कि अगर मैं हिंदी माध्यम मैंने चुना है तो मैं किसी नुकसान की स्थिति में नहीं हूँ। हाँ, इतना जरूर है, ये बात तो आप सबको भी पता है और मुझे भी पता है, सबको पता है कि परिणाम उतना अच्छा जितना होना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। पर इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि अगर आप थोड़ा सा इस हीन भावना से पार पाकर या अपने खुद पर आस्था को बनाए रखकर अच्छे उत्तर लिखेंगे तो अंक भी आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए प्लीज़ मेरा आपसे ये अनुरोध है कि किसी भी तरह की हीन भावना को त्याग कर, किसी भी तरह के तनाव को त्याग कर, आप कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी भी करें और परीक्षा कक्ष में भी कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, ठीक है। उसके परफॉर्मेंस में और ऐसे खड़खड़ाने वाली, लड़खड़ाने वाली परफॉर्मेंस में बहुत अंतर होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सवाल आमतौर पर रहते हैं हमारे। एक मैंने सस्टेन की बात में ज़रूर करूँगा आपसे दोबारा से, कि हर आदमी के कुछ स्किल्स होते हैं जो आमतौर पर मैनेजमेंट में भी स्वीकार किए गए हैं कि हर आदमी में तीन तरह के स्किल्स होते हैं, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और कंसेप्चुअल स्किल्स। तो आप अगर गहराई से ध्यान दें, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, तीन तरह के स्किल्स होते हैं, तो उसमें जो
सबसे पहले आता है वो होता है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का मतलब होता है कि हमें किसी विषय की तकनीकी जानकारी कितनी है। तो वो ऐसे कि जैसे मान लीजिए आप सपोज आईआर पढ़ रहे हैं, तो आईआर में आपको जो स्ट्रैटजीज हैं हमारी या जो उन सब की कितनी तकनीकी जानकारी है वो उसके अंदर आती है। एक होता है कंसेप्चुअल स्किल, अवधारणा कितनी मजबूत है आपकी, यानी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं हर चीज़ की एक अवधारणा होती है। मान लो आप एथिक्स में कोई परिभाषा है, सपोज ईमानदारी का क्या अर्थ है, ईमानदारी की अवधारणा का क्या अर्थ है, तो आप अवधारणाएं कैसे समझ पाते हैं। और तीसरा होता है ह्यूमन स्किल्स, यानी एक ह्यूमन बीइंग के बतौर आप किस तरह से खुद को अभिव्यक्त करते हैं, किस तरह से आप आपकी इमोशनल लेवल क्या है, किस तरह से व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। तो इस तरह तीन तरह के स्किल होते हैं। और ऐसे तो पूरी यूपीएससी परीक्षा आपके पूरे व्यक्तित्व का इम्तिहान लेती है, लेकिन अगर मोटे तौर पे आप देखें तो प्रीलिम्स जो है वो टेक्निकल स्किल्स का एग्ज़ाम है, मेंस कंसेप्चुअल स्किल्स का एग्ज़ाम है, और इंटरव्यू ह्यूमन स्किल्स का एग्ज़ाम है। तो अपने को क्या कोशिश करनी, क्योंकि अभी भी मैंने आपसे वादा लिया है कि सुधार की, आपने खुद ही स्वीकार किया है कि सुधार की गुंजाइश है, और कुछ लोगों ने कहा है बहुत ज़्यादा भी है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप में सुधार की गुंजाइश है तो आप अपने तीनों स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको दो बातें अभी बताई थी, एक तो रीडिंग हैबिट, एक राइटिंग स्किल। तीसरा आपको करना होगा परसिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं निरंतरता। यानी कि हम में से हमारी भी ये प्रॉब्लम रही है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो काफ़ी जोश और जज्बे से भर के हम शुरुआत करते हैं, और उसके चक्कर में हम बहुत सारा अनावश्यक सामग्री भी इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन वो जो जज्बा है वो कुछ दिनों में डाउन होने लगता है, क्योंकि हम ऐसे असंभव लक्ष्य तय कर लेते हैं, जैसे कि मैं तो 18 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो अब सवाल ये है कि सोएंगे कब, खाएंगे कब और नहाएंगे कब। नहाने को तो आमतौर पर इग्नोर कर ही देते हैं, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि इस तरह के असंभव लक्ष्य अपने को नहीं बनाने हैं, है ना, ताकि क्योंकि लक्ष्य जब आप बनाते हैं और वो पूरे नहीं हो पाते तो उससे एक नया तनाव पैदा होता है ना, होता है ऐसा, है ना। हमने कई बार, जैसे एक और बात मैं इसी से जोड़कर कहूँगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई कितने घंटे पढ़ना चाहिए कितने नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि इस अप्रोच के बजाय आप इस तरह पढ़ें कि मुझे क्या टॉपिक आज पढ़ना है या कितने टॉपिक इस हफ्ते मुझे कवर करने हैं, बजाय ये गिनने के कि मुझे 18 घंटे पढ़ना है या 12 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे पढ़ना है। इससे ज़्यादा महत्व आप इस बात को दें कि मुझे कितना विषय का कितना हिस्सा इस हफ्ते कवर करना है, और उसको कवर करके संभव और व्यावहारिक लक्ष्य बनाएं ताकि उनको पूरी। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जब ये छोटे छोटे लक्ष्य आप बनाते हैं ना, छोटे छोटे कि एक हफ्ते का ये लक्ष्य है, 15 दिन का ये लक्ष्य है, और जब वो पूरे होते हैं या पूरे होने के करीब होते हैं तो जो खुशी मिलती है ना, जो प्लेजर मिलता है, इमेंस प्लेजर मिलता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। और वो खुशी जो है वो आपको अगले 15 दिन के लिए, अगले एक महीने के लिए जो ऊर्जा दे देती है ना, वो ऊर्जा बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है, आग्रह है कि आप छोटे छोटे संभव और व्यावहारिक लक्ष्य बनाएं। ऑफ कोर्स थोड़ा दबाव तो रहेगा, ये परीक्षा इस चीज़ को भी चेक करती है कि आप कितना तनाव और दबाव झेल सकते हैं, तो थोड़ा दबाव तो रहेगा ही। मैंने आपसे कहा कि परीक्षा के पूरे साल अपने को दबाव लेना चाहिए, बस एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, और एग्ज़ाम में दबाव नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ भाई तनाव मुक्त होकर तैयारी करें, दबाव मुक्त होकर करें, तो कई लोगों ने इसका ये भी अर्थ निकाला कि ठीक है भाई तनाव और दबाव का चक्कर ही खत्म है, अब तो मतलब अब ठीक है, पढ़ा रहे टीचर बहुत अच्छा है, हम उन पर एहसान कर रहे हैं, और बाद में घर पर आकर रिवीजन भी नहीं कर रहे कि तनाव और दबाव लेना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उसके कहने का मतलब ये है कि आम तौर पे आपको बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार नहीं बनना है, और पर्टिकुलरली एग्ज़ाम टाइम में तो आपको बिल्कुल फ्री होके मस्ती के साथ एग्ज़ाम देना है, ठीक है। मुखर्जी नगर में जो एक पिन ड्रॉप साइलेंस सा हो जाता है ना प्री से पहले दिन, दो दिन पहले, वो बड़ा ख़तरनाक सा लगता है पता नहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई यहाँ पे, है ना। वैसा नहीं करना है अपने को, अगर चाय पीते हैं बत्रा पे शाम को तो उस दिन भी पीनी है, क्या दिक्कत है। इसके अलावा मेरे ख्याल से एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा, उसके बाद आपके सवाल ले लेंगे कि तैयारी की में ऐसी कौन सी बात हम जोड़ें इन तीन चार चीज़ों के अलावा जो मैंने अभी आपको बताई, जिससे हमारा प्रदर्शन जो है वो सामान्य से थोड़ा अपग्रेडेड हो और परिणाम सकारात्मक आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए।
तो उसके लिए मैं एक बात और आपसे चर्चा करना चाहूँगा, वो है कि हमारी एक ओवरऑल अप्रोच कैसी हो पढ़ने के दौरान और लिखने के दौरान। तो उसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आज का जो युग है ना वो जोड़कर पढ़ने का युग है। मैं आपको बताता हूँ, जब जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, तो हर विषय के शुरू में दो तीन नाम जरूर आते हैं, एक अरस्तु का, एक प्लेटो का, एक सुकरात का, या इधर भारत में देखें तो चाणक्य का, होटल, ये सब आ जाते हैं। तो तब क्या हो रहा था, उस समय क्या हो रहा था, ईसा पूर्व में जब बुद्ध, महावीर और ये सब, ज्ञान का विकास हो रहा था। तो ज्ञान का विकास जब होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे ज्ञान की नई नई धाराएं, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान समझ रहे हैं ना, यानी जितने भी ज्ञान के विषय हैं, जिनमें भी हम BA, MA, BCom, BSc, BTech करते हैं, MBBS करते हैं, तो ये ज्ञान के जो विषय हैं धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। पता चला उस समय भी चिकित्सा शास्त्र होता था, तब भी भौतिकी होती थी, फिजिक्स होता था, तो धीरे धीरे ये सब डेवलप होते गए और स्पेशलाइजेशन होता चला गया। अब हालत ये है कि भाई एक डॉक्टर भी हज़ार तरह के डॉक्टर होते हैं, है ना, तो स्पेशलाइजेशन का अपना महत्व है। लेकिन अब क्या हो रहा है आज के युग में, लेटेस्ट जो रिसर्च चल रही है वो ये है कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ज्ञान विज्ञान का जो एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी वो जो दोनों अलग अलग से दिखने वाले क्षेत्र हैं, उनमें क्या आपस में कोई संबंध है। तो हम इसको बोलते हैं अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज। जो लोग अगर MA, MPhil या PhD वगैरह कर रहे हो या उनके किसी यहाँ की हो, तो आजकल ये ट्रेंड है। तो अपने को UPSC जो है, आप ये बात ध्यान रख के चलें कि जब आप सेलेक्ट होंगे आप तो एक ही व्यक्ति होंगे ना, यही तो अकेला ऐसा एग्जाम है जो आपको जनरलिस्ट बनाता है। बताओ दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम है जो आपको स्पेशलिस्ट ना बना के जनरलिस्ट बनाता हो, है कोई IAS के अलावा एग्जाम? ये एग्जाम ऐसा है जो आपसे ये अपेक्षा करता है कि यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, आपको हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो जब इस तरह का युग है, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का जमाना आ गया है, और हम, और आप तो खुद ही देखिए, मतलब बिल्कुल ही सिंपल है, GS के आप चारों पेपर उठाकर देखिए, मेंस के या प्री का पहला पेपर, उसका पूरा सिलेबस आप दो तीन बार पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर पेपर का दूसरे पेपर से कोई ना कोई कनेक्शन है। उस कनेक्शन को आपको समझना है, और जब आप, अब जब आप इस तरह के अप्रोच को लेकर चलेंगे तो आपके पढ़ने में भी फर्क दिखाई देगा, और जब आप उत्तर लिखेंगे तो आप पाएंगे पता चला आपने IR का उत्तर लिख रहे हैं, और IR में लिखते लिखते इकोनॉमी की भी कुछ बातें आपको उसमें लिखनी पड़ी, आपको हो सकता है कुछ समाज की बात भी उसमें आ गई हो, ऐसा भी संभव है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा तो है नहीं कि जब आप पेपर दे, मान लो पेपर टू देने जा रहे हैं और कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो पेपर टू से ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे पेपर थ्री में होना चाहिए था ये सवाल, तो ये पेपर टू में कैसे आ गया। तो ऐसा थोड़ी कि आप अपना माइंड को बिल्कुल ब्लॉक कर लोगे, जैसे कि वो घोड़ा जब हॉर्स राइडिंग करते हैं ना तो उसके ऐसे लगा रहता है दो आँखों पे, तो वो ना तो इधर देख सकता है ना इधर देख सकता है। तो हम घोड़े थोड़ी, हम तो इंसान हैं, तो हम ऐसे थोड़ी ना अपना माइंड ब्लॉक कर लेंगे कि यार पेपर टू में पूछा है तो अपन तो जो पेपर टू में जो पढ़ाया था दृष्टि में वही लिखेंगे, ऐसा थोड़ी है। अगर आपको लगता है कि वो प्रश्न जो है वो पेपर थ्री से ज़्यादा जुड़ रहा है तो मैं पेपर थ्री से कुछ पॉइंट्स उसमें लिख दूँ, क्या दिक्कत है, पढ़ा तो हमने पूरे साल सब कुछ ही है ना। तो इस तरह की अप्रोच बना के चलें आप। मैं तो कई बार और बताऊँ आपको, जो ये SA का पेपर है वो बहुत जनरल होता है, एथिक्स का पेपर है वो बहुत जनरल होता है, तो और वो आपका ऑप्शनल, फॉर एग्जाम्पल आपका ऑप्शनल मान लो हिंदी साहित्य है, फिलोसफी है, हिस्ट्री है, जो भी है। मैं तो कई बार ऐसा करता था कि इसका ज्ञान वहाँ भी इस्तेमाल हो जाता है, मैं, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था कि ऑप्शनल की चीज़ें मैंने SA में यूज़ कर ली एथिक्स में, या फिर मैं जो जनरल रीडिंग हैबिट की बात कर रहा था अभी आपसे, पता चला आपने कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ी इंडियन सोसाइटी के ऊपर और आपको वहाँ कुछ नई चीज़ें मिली और आपने उसका उपयोग अपने SA में कर लिया, तो क्या बुराई है इसमें, है ना। तभी तो हम लोग फिर हम यूँ परेशान होते हैं कि यार SA की तैयारी आखिर करें तो कैसे करें, एथिक्स की तैयारी आखिर करें तो कैसे करें। तो तमाम तैयारी के अलावा भी अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, आप लिखते अच्छा हैं और आपकी अप्रोच जो है वो इंटीग्रेटेड है, कंप्रीहेंसिव अप्रोच है और चीज़ों को जोड़कर देखना आपको, और ऐसा नहीं कि एकदम आ जाएगा, धीरे धीरे ही आएगा, जैसे राइटिंग स्किल धीरे धीरे डेवलप होगा, रीडिंग कैपेबिलिटी, वोकैबुलरी धीरे धीरे ही इम्प्रूव होगी, वैसे ही जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, व्यापक सोच और सोचने का जो व्यापक नज़रिया है वो भी धीरे धीरे ही डेवलप होगा, लेकिन हो जाएगा,
ये पक्की बात है, और ऐसा भी नहीं अनंत काल तक चलता रहेगा, मतलब एक नियत समय सीमा के भीतर भी तो करना है अपने को, क्योंकि घर वालों ने भी तो टाइम देके भेजा होगा ना, बताओ। ऐसा थोड़ी है कि समाज सुधार करने गए हैं तो समाज सुधार करके ही वापस आएंगे, हैं आना तो पड़ेगा घर वापस। ऐसा तो नहीं कहा किसी ने कि आईएएस बन के जाना वरना मत आना, हैं ऐसा भी कहा है क्या? कहा है ना, ठीक है। एनीवे तो ये सब बातें जो मुझे कहनी थी वो मैंने कही, और अब मेरे ख्याल से इसको इंटरेक्टिव सेशन बना लेते हैं, और जो भी आपके सवाल हो आप हाथ उठाएं बहुत ही अनुशासित ढंग से, ताकि सभी को आनंद आएगा और ठीक से चीज़ें हो पाएंगी। सर, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जो कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा चुने या कौन सा चॉइस करें, सभी के मन में रहता है, तो उस चीज़ को थोड़ा कन्फ्यूज़न कैसे दूर करें तो वो थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं पहले इसका उत्तर देता हूँ फिर अगला क्वेश्चन लेंगे। पहली बात तो ये अपने को वेरी क्लियर है कि भाई जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाज़ा है आपको, जब तक पैटर्न में है भाई, जब नहीं है तब की तब बात ख़त्म होगी, और अभी आप बिना मतलब कि अटकलों में और ऊहापोहों में ना पड़े, अभी है, अभी तो पैटर्न में है ही ना, जिस साल आप दे रहे हैं या अगले साल आप दे रहे हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका कारण ये है कि उसमें प्राप्त अंकों की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। हिंदी साहित्य में 250 से कम वालों का भी सिलेक्शन हुआ है, और मेरे 313 हैं, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। मेरे कई फ्रेंड हैं जिनके अपने अपने ऑप्शनल्स में 300 से ज़्यादा अंक आए हैं, तो उनकी रैंक अब आप खुद ही सोचिए, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था उसका तो सिलेक्शन हो गया, और जिसका सिलेक्शन किनारे पर होता उसकी रैंक हाई आ गई। तो कुल मिला के ये है ना कि आपको तो क्या चाहिए, आपको बेसिकली निर्वाण चाहिए, कैसे बताओ, महापरिनिर्वाण नहीं निर्वाण कैसे चाहिए, कि अपने को हम क्या चाहते हैं और हमारे घर वाले क्या चाहते हैं, वो यही तो चाहते हैं कि भाई कम से कम समय में सिलेक्शन हो जाए, और जो सर्विस या जो रैंक आप चाह रहे हैं वो ही मिल जाए, ताकि दोबारा एग्जाम ना देना पड़े, है ना। तो इस सब के लिए जो अपनी रणनीति होगी उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, सर ने भी आपको बताया होगा, वो है एसे, एथिक्स और ऑप्शनल, तीन चीज़ें। जीएस के तीन पेपर भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एसे का पेपर, एथिक्स का पेपर और ऑप्शनल सब्जेक्ट के दो पेपर, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इन्होंने जो सवाल पूछा है वो है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुने, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा दो तीन बातें हैं जो आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चुनने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं तो कहूँगा जैसे मैंने किया था कि भाई चार आपने लिस्ट देखो, सबसे पहले यूपीएससी की, यूपीएससी की लिस्ट में करीब 23 विषय हैं शायद, है ना, तो उसमें से आप देखो किन किन को लेने की आपकी रुचि भी है और हैसियत भी है ना, दोनों बातें देखकर आप सही है अपनी अपनी औकात के हिसाब से पैर पसारने चाहिए, कहावत है पुरानी, मतलब जिसका हमें आइडिया ही नहीं है तो वो थोड़ी लेंगे, बोटनी थोड़ी लेंगे, मतलब जो अपने पढ़ा ही नहीं या जिसका कोई आइडिया ही नहीं है या कोई पढ़ने के बाद भी आइडिया लगे इसकी संभावना भी कमी है तो ऐसा विषय क्यों लेंगे, है ना। तो चार पांच छह विषय आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप एलिमिनेट मेथड, एलिमिनेशन वाला मेथड यूज़ कीजिए। आपको लगता है कि जैसे मान लो एंड में तीन चार विषय बचे मेरे, तो उसमें एक तो आप ये देखिए कि किसमें आपका सामान्य तौर पर रुचि है क्या, उस कैसे पता चलेगी वो रुचि, एक तो आप उसी विषय के पिछले सालों के प्रश्न पत्र देख लीजिए, उसको देखकर आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस तरह के सवाल इस विषय में आते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपको क्लू ही ना मिले, क्लू लेस महसूस करें आप, और ऐसा हो सकता है पर जब आपने कभी अगर प्रेमचंद को पढ़ा ही नहीं तो आपको हिंदी साहित्य कैसे समझ में आएगा, या आपने कभी डेकार्त का, स्पिनोजा का नाम सुना ही नहीं है तो आप फिलोसफी के आंसर कैसे समझ पाएंगे। हाँ, एक और बड़ा वो होता है कि हिस्ट्रिकल से लेकर लोगों को बहुत फैमिलियरिटी लगती है, अरे ये अखबार ये वही तो है यार जो आठवीं क्लास में पढ़ा था, तो मतलब एक हिस्ट्री ऐसा विषय है जिसमें लोगों को फैमिलियरिटी महसूस होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा फैमिलियरिटी का केवल यही मानदंड नहीं है, आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र देखें और उससे थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें, हो सके तो सॉल्व भी देख लें, समझ रहे हैं मेरी बात, अनसॉल्व के साथ साथ आप सॉल्व भी उसका उत्तर अगर देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या तो प्रश्न था और क्या उत्तर है, और फिर आप देखें कि क्या आपकी थोड़ी उसमें रुचि जग रही है क्या, क्योंकि तैयारी की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसमें रुचि जगना बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद फिर देखें कि उसका सिलेबस कितना बड़ा है, उस विषय में उपलब्ध मार्गदर्शन की क्या स्थिति है। अगर आपका खुद का ही बैकग्राउंड है तो बहुत ही अच्छी बात है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बैकग्राउंड ही हिंदी साहित्य का था, एमए किया था, एमफिल किया था, तो मेरे को तो कोई सोचना ही नहीं था ज़्यादा। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा।
एक और बात ये भी कहूँगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के इस निर्णय को अनंत काल के लिए मत टालिए, ठीक है। एक कहावत है, इनडिसीजन इज ऑफन वर्स देन रॉन्ग डिसीजन। निर्णय ना करना ज़्यादा खतरनाक होता है गलत निर्णय करने से। अगर आप गलत निर्णय, मतलब आप गलत निर्णय ही कर लेते लेकिन उसको एग्जीक्यूट तो कर लेते दो तीन साल में, अब आपने तीन साल तक निर्णय नहीं किया तो कैसे करोगे। तो आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लें उसमें तीन चार बातों का ध्यान रखें। एक तो आपका बैकग्राउंड क्या है, उस विषय का पाठ्यक्रम कैसा है, उसमें मार्गदर्शन कितना उपलब्ध है, और आजकल के ट्रेंड के हिसाब से उसमें अंक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इन तीन चार बातों को ध्यान में रखकर आप अपना वैकल्पिक विषय एलिमिनेशन मेथड से एक एक करके काटते जाएं, एंड में जो बचे उस पर राइट लगा लें, ठीक है। खैर, अगला क्वेश्चन, हाँ आप बताइए। मेरा सवाल यह है कि जीएस के जो पेपर होते हैं सर, साइंस ऑन टेक वाले, तो सर उसमें भूमिका का क्या महत्व होगा सर? क्या भूमिका हमें लिखनी चाहिए या सीधे तौर पर हम जवाब पे उतर जाए जीएस में? हाँ सर, ठीक है सर। एक चीज और बताना था हमें सर। बताना चाहते हैं? हाँ जी बताइए। अभी आपने पूछा था कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। तो सर बड़ा बेताबी हो रहा था, बोलना चाह रहा था। बताओ। ये जब मैंने नहीं पूछा था कि कौन ऐसे हैं जो तड़प रहे हैं बताने के लिए, जिनसे रहा नहीं जा रहा है, ये वही है सर। बिना बताए रह नहीं सकते थे सर। बताइए। सर एक्चुअली ये हुआ कि पहले तो ये छोटी डिग्री में बहुत बड़ी जॉब है सर, आप ग्रेजुएशन के बाद सीधा आईएएस बन सकते हो। और दूसरी बात है कि सर हमारे जो गांव है, जैसे जब मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ सर एक ट्रेंड बन गया ऐसा कि आप प्लस टू करो, वहाँ गार्जियन भी बोलते हैं कि आप प्लस टू करो और सीधा जॉब लो। ये आईएएस वगैरह क्या होता है ये बड़े शहरों की चीज़ है, ये आप लोग सोचो भी मत। तो मैं सर बस आजमाने के तौर पर आया हूँ कि देखता हूँ कि क्या ये बड़े शहरों की है या हमारे जैसे छोटे जगह। और सर मैं यहाँ आया हूँ, किसी को बता के नहीं आया हूँ। बता देंगे तुझे आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे। सर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं किसी को बता के नहीं आया, बस अपनी फैमिली को बताया हूँ। और मैंने जैसे डिप्लोमा कर रखा है तो ये तो बढ़िया किया आपने। तो मैंने सर एक मिनट, कुछ लोग अपने पूरे मोहल्ले, अपने पूरे शहर, अपने सारे साथियों को बताकर बढ़िया एकदम की, और फेसबुक पे भी जो होता है ना कि क्या है अबाउट, तो उसमें आईएएस एस्पिरेंट, कुछ लोग तो आईएएस ही लिख देते हैं। मेरे पास रोज रिक्वेस्ट आती है, उसमें लिखा रहता है आईएएस। तो सर जैसे वो मैं तो बता के नहीं आया, मैं बोल रहा हूँ कि मैं जॉब कर रहा हूँ। नहीं, ये बढ़िया किया आपने, ज्यादा लोगों को बताने की आवश्यकता होती भी नहीं है इसमें। तो सर ये है ना कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ 1% चांसेस, तो मैं भी उस दौर में शामिल हो जाऊंगा, नहीं तो एक मिसाल बन जाऊंगा। क्या बात है, नहीं एक अच्छी, इनकी बातों से वैसे इन्होंने जो बात की उससे एक दो बढ़िया बातें निकली। एक तो बिना वजह का हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है, खुद शोर मत मचाइए, आपकी सफलता अपने आप ही शोर मचाएगी, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने बड़ी अच्छी कही कि इनका प्लान बी भी तैयार रहता है। प्लान बी होता है ना, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए तो आई एस है, प्लान बी भी इन्होंने सोचा हुआ है, इसीलिए ये फालतू लोगों को बता के नहीं आए, वरना प्लान नहीं अगर असफल हो गए तो वही लोग इनकी टांग खींचेंगे, ठीक है। उसमें रिश्तेदार सबसे ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखना। तो प्लान बी भी अपने को तैयार रखना चाहिए कि अपना एक, मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक करियर विकल्प भी मन में सोच के रखना चाहिए, या एक अपने पास एक एम्प्लॉयबिलिटी या एक करियर विकल्प हो जिससे अगर 1% भी, अगर ऐसा तो संभव है ना, ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि कोई अनिश्चितता नहीं है यूपीएससी में, और 100% मेरा तो मतलब होगा ही होगा, किसी और का होना हो। भाई जो लोग ऐसा सोचते हैं मैं उनको नमन करता हूँ, और मतलब मैं बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, है ना। लेकिन फिर भी ये महामानव है, लेकिन हम लोग आम आदमी हैं, ठीक है। तो अपने को ये सोचना है कि अगर 1%, जैसे इन्होंने कहा कि 1% संभावना तो इन्होंने भी स्वीकार किया है, और मेरे ख्याल से यूपीएससी की गलाकाट प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कुछ प्रतिशत तो संभावना है ही कि ना हो, तो वो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अब इनके सवाल पर आते हैं, इन्होंने सवाल ये पूछा था कि जीएस में खास तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो उत्तर लिखते हैं उस उत्तर में क्या भूमिका भी लिखनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो ये कि जीएस में उत्तर बहुत छोटे लिखने होते हैं आजकल, कितने 200 शब्दों के, 200 शब्द में उत्तर लिखना होता है। अब उसको लेके कई सारी राय हैं अलग अलग लोगों की, जैसे कुछ टॉपर्स ये भी कहते हैं कि भाई पॉइंट्स में आप लिखिए, टीचर्स भी कहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं पैराग्राफ में लिखना चाहिए। मेरा ये अपना मानना है, बाकी आप अपना उसके हिसाब से खुद निर्णय भी ले सकते हैं, अपने टीचर से पूछकर ले सकते हैं कि
कोशिश करें कि अगर छोटी सी भूमिका, साइंस और टेक में जरूरी नहीं है, लेकिन आप छोटी सी दो तीन लाइन में क्या पूछा गया है उसके बारे में कोई आप मूलभूत बात हो तो वो बता के शुरुआत कर सकते हैं। फिर आप उसके सारे पक्ष जो हैं, जो भी सवाल पूछे, आजकल तो बड़े लंबे लंबे सवाल आते हैं, मेंस में देखा आपने कितने लंबे लंबे सवाल आते हैं, जितना लंबा सवाल है उतना ही आसान जवाब है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि उस सवाल में आधा जवाब छुपा हुआ है, समझ रहे हो आप। जितना छोटा सवाल है वो उतना ही मुश्किल है और जितना लंबा है वो उतना ही आसान है। तो आप उस सवाल में जो जो बातें उन्होंने, तीन चार सवाल एक में ही पूछते हैं, 200 शब्दों का उत्तर है, 200 शब्दों के उत्तर में तीन चार सवालों का उत्तर कैसे लिखें? इसी में तो आपकी परीक्षा है कि आप ज़्यादा बातों को, क्योंकि नॉलेज की कमी नहीं है हमारे पास आज के डेट में, नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन उस नॉलेज को समेट कर लिखना वो महत्वपूर्ण है। तो उसी की तो परीक्षा हो रही है ये। आपको जितनी भी ढेर सारी इधर उधर की जानकारी प्राप्त हो गई है, क्योंकि सूचना का विस्फोट का युग है, ये तो इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का युग है ना ये तो। अब किसी को किसी से पूछने के लिए ऐसे थोड़ी जाना पड़ता है कि ये बता दो, वो तो खुद ही नेट पे देख लेता है। तो ऐसे में उत्तर को आप थोड़ा सा सभी पक्षों को लिखते हुए और छोटा सा कंक्लूजन लिख दें अगर 200 शब्दों में, इस तरह का राइटिंग स्किल अगर आप डेवलप करें, इसको थोड़ा सा अगर आप देखें तो प्रेस की राइटिंग जो होता है ना, प्रेस की राइटिंग होती थी ना पहले इंग्लिश में या हिंदी में, कि कोई ऐसे है उसको हमें, या तीन चार पैराग्राफ का कोई आर्टिकल है उसको एक पैराग्राफ में लिखना है, तो वो एक कला है, एक आर्ट है, लैंग्वेज का एक स्किल है। तो ऐसे ही अगर हमको किसी उत्तर के बारे में बहुत सारी जानकारी है तो उसको कैसे समेट कर ऐसे लिखें कि सारी बात भी आ जाए और 200 शब्दों में उत्तर भी लिख दिए, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये स्किल, वही मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, ये स्किल धीरे धीरे डेवलप होगा, आप लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। और कोई सवाल? सर मेरा प्रश्न है कि क्या साक्षात्कार के समय हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के उत्तर देना अनिवार्य है? यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय यदि अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप करने में असहज है तो क्या इसके परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं? अच्छा सवाल है। मान लीजिए आपने हिंदी माध्यम चुना है, इसमें कोई दो राय नहीं, साक्षात्कार में भी आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं, भले आपने मेंस किसी भी माध्यम में दिया हो, लेकिन आप इंटरव्यू में दूसरी भाषा भी चुन सकते हैं। पर अगर आपने हिंदी को ही चुना है तो वैसे तो वो आपसे उस आपकी भाषा में सवाल पूछते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश बोलने में असहज हैं और आपसे वो इंग्लिश में ही सवाल पूछ लें, क्योंकि एक एटिकेट ये कहता है कि जो आदमी आपसे जिस भाषा में पूछे हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी भाषा में उसको उत्तर दें, लेकिन अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं और उनको ये पता है जबकि कि मेरा हिंदी माध्यम है, फिर भी इंग्लिश में पूछ रहे हैं, और अपने को पता है भी अपनी इंग्लिश का स्टैंडर्ड क्या, अपने को खुद ही पता है, तो अपने को बिना शर्माए आपको हिंदी में उत्तर देना चाहिए, इसमें कोई भी हीन भावना वाली बात नहीं है। और अगर आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, एक आध लाइन बोल दीजिए, क्या दिक्कत है, मतलब इतना तो अपने को आता ही आजकल थोड़ा तो उनको भी लगे कि बिल्कुल ही ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता, थोड़ा सा बोल दीजिए क्या दिक्कत है, इतना तो अपने को अब आएगी, मतलब इतना तो आज की डेट में मूवीज वूवीज देख के, यूट्यूब यूट्यूब देख के सबको आता ही है ना। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि निबंध जो है सर, तो संस्था की तरफ से जो उपलब्ध कराई गई है बुक निबंध के लिए, उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं लिखने के तरीकों को लेकर, उससे देख के लिखने में सर काफ़ी अभी भी सहज, मतलब सहज महसूस नहीं होता। और दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि सामान्यतः हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं, इंग्लिश मीडियम की तुलना में उनकी इंग्लिश जो है काफ़ी वीक रहती है लैंग्वेज स्किल पे, तो सर फाइनल रिजल्ट्स में क्या ये मेरिट निर्धारण में इनका, मतलब कि इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है? ठीक, जिसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई जब हिंदी मीडियम हमारा है तो हमारी इंग्लिश इंग्लिश मीडियम वालों थोड़ी कमज़ोर है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस अपने को इतनी इंग्लिश आनी चाहिए जिससे हम इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर क्लियर कर सकें, वो तो करना ही पड़ेगा है ना, उसके बिना तो अपनी मेंस की कॉपी चेक नहीं होती। और एक इतनी इंग्लिश भी आनी चाहिए कि अगर संयोग से अपने को कोई स्टडी मटेरियल ऐसा है जो थोड़ा बहुत एक आध आर्टिकल अगर इंग्लिश में पढ़ना पड़ गया तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार कोई ये फारसी या कोई और भाषा अपने को पढ़ रहा है ना, इंग्लिश की इतनी आधारभूत जानकारी अपने को होनी चाहिए। और ये स्वीकारने में अपने को क्या संकोच है, मैं तो आज भी भाई IAS बन गया, पूरी ट्रेनिंग भी इंग्लिश में हो गई, सब कुछ हो गया, इंग्लिश आती भी है मेरे को, पहले से भी आती है, आप विश्वास करना इस बात का लेकिन फिर भी यार अभी भी मैं हिंदी में ही सोचता हूँ, हिंदी में मतलब हिंदी में जो आनंद और रस आता है वो तो कभी भी इंग्लिश में ना तो आता, और ना ही शायद 30 साल का मैं हो गया और 30 ही शायद और बचे हैं तो ना शायद आए, तो इसमें मानने में क्या संकोच है भाई, थोड़ी अपनी इंग्लिश हिंदी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हिंदी भी तो अच्छी होनी चाहिए,
मैं जो लोग ये बात कहते हैं कि भाई हमारी इंग्लिश कमजोर है, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन हिंदी मजबूत है भी या नहीं है? मतलब हिंदी भी कमजोर है, इंग्लिश भी कमजोर, तो कैसे होगा? आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब दोनों माध्यमों में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी दोनों ही भाषाएं कमजोर हैं। तो दोनों ही भाषाएं कमजोर हैं तो किसको माध्यम के रूप में चुने, ये एक बड़ी समस्या है। तो भाषा का स्किल कभी भी बेकार नहीं जाता। इवन मैं तो कहता हूँ अगर आप कोई और भाषा भी, तीसरी भाषा भी सीखते हैं, हमेशा भाषा हमेशा काम आती है। लेकिन आपके पास तो चुनौती कोई नहीं है, उत्तर भारत के राज्यों के लोगों को केवल दो ही भाषाएं सीखनी है। बल्कि और राज्यों में आप देखें जो गैर हिंदी भाषी राज्य है, वहाँ के लोग तीन भाषाएं सीखते हैं, हिंदी भी सीखते हैं, और हमसे दो भाषाएं नहीं सीखी जा रही। मतलब कितने एक शर्म की बात है ये, मतलब सोचो खुद ही, है ना? तो अपने को ऐसा नहीं करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पर ही अच्छा अधिकार रखना है। और इसमें कोई दोराय नहीं है कि अपना जो है ना वो एक पहला प्यार तो हिंदी से ही रहेगा, ठीक है? तो उसमें कोई शर्माने की बात नहीं, अपनी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है उनसे कोई दिक्कत नहीं। सादर नमस्कार सर। सर सर्विस के साथ समय योजन को लेकर के पढ़ाई को कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हम तीन घंटे क्लास करते हैं, सारा कंटेंट समझ में आ जाता है, लेकिन उसको रिवीजन करने में या अन्य कंटेंट को पढ़ने में समय का जाया होता है, तो इससे लेकर के क्या प्रबंधन रणनीतियाँ हो सकती हैं, थोड़ा सा जानकारी दें। सर्विस को लेकर काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे मेरे को भी लोग कहते हैं कि भाई आपने सर्विस का तैयारी की तो कैसे की? तो पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने सर्विस से पहले भी तैयारी कर रखी थी। सर्विस के दौरान मैं ज़्यादातर रिवीजन ही करता था। दूसरी बात ये कि आपकी सर्विस कैसी है इस पर भी डिपेंड करता है। आप मान लो आप एक पार्ट टाइम नौकरी करते हैं 3-4 घंटे की, तो कोई समस्या ही नहीं है। 5 घंटे की नौकरी करते हैं, मजे से अपना थोड़ा सा अर्निंग भी हो जाती है और अपना पढ़ाई भी हो जाती है। लेकिन अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं और फिर तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो ये एक थोड़ी समस्या का कारण हो सकता है। अगर आप तैयारी 1 साल करने के बाद कोई नौकरी करते हैं तो इतनी समस्या नहीं है, तब तो आपको केवल रिवीजन ही करना है। लेकिन अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं और साथ में एक फुल टाइम नौकरी भी करते हैं, तो वो थोड़ा समस्या का कारण है। लेकिन ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिन्होंने रोज़ शाम को थोड़ा वक्त निकाल कर और वीकेंड में पढ़ाई करके भी एग्ज़ाम क्लियर किया अच्छी रैंक के साथ, ठीक है? तो ये आपके एक तरह से कहें इसको टेम्पो पर निर्भर करेगा, आपकी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है या मोटिवेशन लेवल है। जैसे कि शुरू में मैंने पहला ही क्वेश्चन ये पूछा था कि आपका मोटिवेशन लेवल कितना है। जिसका मोटिवेशन लेवल हाई होता है, उसको ये सब परेशानियों से भी वो रास्ता बना के कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। तो असंभव नहीं है, नौकरी के साथ तैयारी करने वाले बहुत लोग हैं और क्लियर करने वाले भी बहुत लोग हैं। आपको उपलब्ध परिस्थितियों के हिसाब से ही, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हिंदी मीडियम के हम लोग हैं, आप जब मूवी देखेंगे तब भी आपको एहसास होगा, हिंदी मीडियम के जो लोग होते हैं वो थोड़े एक तो संवेदनशील ज़्यादा होते हैं, है ना? मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। और दूसरा ये है कि वो कहीं ना कहीं सामाजिक या आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा उन्होंने कुछ ना कुछ अभाव भी देखा होता है अपने जीवन में, तो इसीलिए वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो हिंदी मीडियम के रूप लिए एक चुनौती भी रहती है हमेशा, अगर हम हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं तो थोड़ी हमारी चुनौतियाँ औरों से मोटे तौर पर ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये चीज़ हेल्पफुल भी तो है, कल को जब आप एक और मजबूत इंसान बन के उभरेंगे, अगर आप थोड़ी चुनौतियाँ झेल कर आईएएस बनेंगे तो शायद अच्छे आईएएस बने, ठीक है? सर जैसे कि हमारा जीएस और ऑप्शनल दोनों में पूरा टाइम देना होता है, तो उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि ऑप्शनल को पहले रेडी करें अपना या जीएस को पहले अपना कंप्लीट करें? मुझे ऐसा लगता है मोटे तौर पर कि एक बार ऑप्शनल को पहले पढ़ जरूर लें, और जीएस तो आपकी तैयारी मान लो साल भर की है या 1.5 साल की है, तो आपको उसमें लगातार जीएस को तो पढ़ना ही है, भले ही आप करंट अफेयर्स पढ़ें या जीएस के बाकी सेगमेंट्स उनको पढ़ें। लेकिन मुझे लगता है कि प्रीलिम्स से करीब 6 महीने पहले, आधे साल मतलब हाफ ईयर पहले आप एक बार ऑप्शनल को पूरा पढ़ लें, और फिर प्रीलिम्स से ठीक पहले 2-3 महीने पहले आप ऑप्शनल को बंद कर दें। जब प्रीलिम्स आपको देना है 2 महीने बाद, तो आप फिर उसके ऊपर ही फोकस करें 2-3 महीने पहले, और प्री के तुरंत बाद फिर आप ऑप्शनल पर दोबारा से रिविज़न कर लें। मोटे तौर पर मुझे ये लगता है, बाकी अपनी स्ट्रेटजी अपने आप बनाएं एक बार। सर्वप्रथम सर के स्वागत के निमित्त, ना हल्दी है ना चंदन है, ना हल्दी है ना चंदन है, ये तो रिश्तों का बंधन है। दृष्टि द विजन आईएएस में आज ऐसे भव्य सेमिनार में हम सभी विद्यार्थियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू। मेरे प्रश्न करने से पहले आपके प्रश्न के उत्तर के निमित्त मैं आपको कहना चाहूँगा, सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। तो मेरा ही एक ऐसा इस ड्रीम है, सपना है। सवाल भी तो पूछिए आप।
कि मैं आईएएस बनूं। मेरा आपसे प्रश्न ये है श्रीमान जी कि जो यहाँ पर क्लास के दौरान पढ़ाया जाता है उसके दौरान जो आंसर लिखते हैं सर, तो उसमें क्या लिखें या क्या छोड़ें ये समस्या रहती है, और जब आंसर सबमिट करवाते हैं तो उसमें काट पीट के ये ना लिखें ये लिखें ये अक्सर बढ़िया बढ़िया मेरी समस्या रहती है। और सर प्लीज सर एक बार में एक सवाल एक स्लोगन बोलना चाहूँगा, जैसे कि उन भैया ने बोला कि असंभव है, ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, एक ही नदी को रोकने से समुद्र नहीं बनता, अरे लड़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक ही जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक ही जीत से सिकंदर नहीं बनता। इसीलिए हमेशा लगे रहिए यूपीएससी की इस तैयारी में, हमेशा लगे रहिए यूपीएससी की इस तैयारी में, क्योंकि हर कोई निशांत जैन जैसा टॉपर्स नहीं बन सकता, हर कोई निशांत जैन जैसा टॉपर्स नहीं बना। थैंक यू सर। एक बात बस ये बता दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? राजस्थान में कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से हैं? बाड़मेर से। तो दिख रहा है राजस्थान वाला एक मतलब शौर्य आन बान शान है। पर यार आप लोग ये मत समझना कि मैं भी इनकी तरह क्लास में खड़े होकर ऐसे कविताएं सुनाता था, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है? एनीवे अच्छी बात है। तो आपका सवाल ये था कि ये इस बात से भी नाराज हो गए होंगे जब इन्होंने उत्तर लिखा होगा, तो इन्होंने तो सोचा होगा यार मैं तो राजस्थान से आया हूँ, बढ़िया उत्तर लिखा है मैंने तो, और इन्होंने ये काट पीट कर दी, तो तब से ही नाराज हैं ये। तो इसलिए आज ही इनका गुस्सा निकल के आ रहा है कि भाई मेरे उत्तर अखिल सर काट देते हैं, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके उत्तर काटने वाला कोई है, ठीक है? एक कबीर ने भी कहा है ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो आपको निंदक मिल रहे हैं तो इससे बढ़िया क्या बात है, आपको कोई सीनियर मिल रहा है, कोई टीचर मिल रहा है और आपके उत्तर काट भी रहा है। तो आजकल तो कोई कमियां ही नहीं बताता, आजकल जमाना इतना बदल गया है, लोग आपकी तारीफ ही तारीफ करते हैं, चारों ओर चार पांच चापलूस घूमते रहते हैं, और अरे तुम तो पहली बार में निकाल दोगे क्या है मतलब। तो अब आपका सवाल है कि क्या शामिल करें और क्या ना करें। तो एक बार प्रश्न को, क्योंकि जीएस का जो मेंस का पेपर होता है बहुत लेंथी होता है और समय बहुत कम होता है, सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। तो जो प्रश्न है वो प्रश्न भी काफ़ी लंबा होता है, तो उस प्रश्न को ज़्यादा बार बार पढ़ने का समय अपने पास नहीं होता, तो आप उस प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लें। अब उसके लिए वो ये रीडिंग स्किल भी काम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका रीडिंग स्किल मजबूत है, आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो आप उस प्रश्न को एक बार में पढ़ के ही समझ जाएंगे। अब उस प्रश्न में मान लो दो तीन प्रश्न छुपे हुए हैं, तो आप दो तीन प्रश्नों का उत्तर आपको उस 200 शब्दों में ही देना है। तो उसके लिए आप क्या करें कि थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लो 200 शब्दों का उत्तर है तो दो तीन पैराग्राफ छोटे छोटे आप बना सकते हैं उसके अंदर, उस तरह से उसकी रूपरेखा बनाइए और कोशिश करिए कि उस प्रश्न से जुड़े जो जो पक्ष हैं उन पर आप जो को आपको जो उपलब्ध जानकारी है, भाई हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो जो उपलब्ध जानकारी है उसको कम शब्दों में आप समेटने की कोशिश करें, और उसके बाद यदि संभव हो और प्रश्न की मांग हो तो आप छोटा सा कंक्लूजन लिख दें, इस तरह से आप रूपरेखा बनाएं। ये समस्या धीरे धीरे ही एड्रेस होगी कि क्या शामिल करें और क्या ना करें। और जहाँ तक बात वो मैंने आपको बताई कि हफ्ते में एक बार निबंध लिखने वाली, तो आप ये मान के चलें कि निबंध लिखने का अभ्यास जब आप करेंगे तो वो केवल निबंध में ही काम नहीं आएगा, भले ही निबंध 1000-1500 वर्ड का है और जीएस का उत्तर केवल 200 शब्द का है, लेकिन राइटिंग स्किल तो कॉमन है ना? निबंध में थोड़ा सा विस्तार की गुंजाइश ज़्यादा होती है, इसमें विस्तार की गुंजाइश बहुत कम होती है, वहाँ पर एक्सपेंशन ज़्यादा काम आता है, यहाँ पर प्रेसी संक्षेपण ज़्यादा काम आता है। तो ये धीरे धीरे डेवलप होगा, ऐसा नहीं कि एकदम एक महीने में या दो महीने में ही आप इस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है? सर अभी आपने बताया कि थोड़ी सी हिंदी और थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, तो इंग्लिश को मतलब कैसे करें, क्या उसका उसको अच्छा करने का क्या प्रयास करें, कैसे उसको मतलब ठीक ठाक किया जा सके? अभी देखते हैं तो इंग्लिश थोड़ा सा डर टाइप का लगता है, जैसे 600 वर्ड में वो अब आजकल है कि 600 वर्ड में उसको लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है, और वो सभी तो 100 वर्ड में लिख नहीं पाते हैं, 600 अच्छा? वर्ड सोच कर डर लगता है, थोड़ा सा कैसे अच्छा किया जाए, और थोड़ा सा हिंदी साहित्य में मतलब कैसे उसको मतलब किया जाए कि ताकि उसमें अच्छा सा मार्क्स आ सके। सर ये दो क्वेश्चन दो प्रश्न है ना? हाँ सर, इनका दो क्वेश्चन है। एक तो बेसिकली जो इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है उसको लेकर ये पूछना चाह रहे हैं। इनका ये कहना है कि उसमें 600 शब्दों में उत्तर लिखना होता है ऐसे, और ये कह रहे हैं कि और ऐसे कई और लोग भी होंगे कि भाई हम तो 100 शब्द भी नहीं लिख पाते इंग्लिश में, तो 600
600 कहाँ से लिखेंगे? तो ये मैं आपको कहूँगा कि हम में से ज़्यादातर लोग इंग्लिश के कंपलसरी पेपर को बहुत ही हल्के में लेकर चलते हैं। कई बार ऐसा इंग्लिश मीडियम वालों के साथ भी होता है, क्योंकि उनको भी एक भारतीय भाषा का पेपर लेना होता है, तो उनमें से ज़्यादातर लोग हिंदी लेते हैं जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, और उनको हिंदी का अखबार पढ़ा नहीं जाता उनसे, तो उनको भी ये समस्या आती है और वो भी कई बार फेल हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि जिस तरह मैंने कई इंग्लिश मीडियम वालों को देखा है कि वो हिंदी की भी तैयारी करते हैं ताकि कहीं इस पेपर में फेल ना हो जाएं, समझ रहे हो आप? और यही समझदारी है। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इतनी वीक है कि आप 100 शब्द भी नहीं लिख सकते, तो आप अभ्यास करें। और थोड़ा सा मैं तो कहूँगा कि आपके जो जब आपने टेंथ की होगी तो आपने कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक तो पढ़ी होगी, अगर वो रखी हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास तो रखी थी, मैंने वही निकाल ली थी। लेकिन अगर नहीं भी रखी हो तो आप एक जनरल इंग्लिश की बुक खरीद के, इसमें कोई बुराई नहीं है, है ना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है। आप उसको थोड़ा सा अभी से रोज़ आधा घंटा एक घंटा देना शुरू कर दीजिए, और धीरे धीरे आप 600 शब्द के आप 1200 शब्द लिख देंगे, है ना, ऐसे करेंगे। मैं अपनी तैयारी के दौरान इंटरनेट का कहाँ तक प्रयोग करना चाहिए या कहाँ तक ये हमारी तैयारी में सहायक होता है? इंटरनेट का वहीं तक प्रयोग करना चाहिए जहाँ तक आपके लिए वो यूटिलिटी दे सके, जहाँ तक वो आपके लिए उपयोगी हो। और ये चीज़ भी, क्योंकि देखिए ये समस्या एक बड़ी है आजकल कि बम्बार्डमेंट इतनी ज़्यादा होती है इन्फॉर्मेशन की कि हम ये नहीं समझ पाते कि किस सोर्स को कितना समय दें। आपका प्रश्न इसीलिए उपजा है, इसीलिए आपके दिमाग में सवाल आया है कि सब लोग कहते हैं इंटरनेट का यूज़ किया करो, इंटरनेट का यूज़ किया करो, कितना करें कितना ना करें। मैं कहता हूँ कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेस्ट सीरीज़ के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी टेस्ट सीरीज़ यहाँ भी ऑलरेडी चल रही है, तो फिर अनावश्यक समय ज़्यादा व्यर्थ करने से फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है इंटरनेट पर कोई अच्छे ऐसी वेबसाइट है जो अच्छे क्वेश्चंस दे रही है आपको, तो आप ले सकते हो वहाँ से। कहने का मतलब है कि इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ आप तब करें जैसे जो भारत सरकार की ऑथेंटिक वेबसाइट्स है ना, उनका यूज़ आप ज़्यादा करें कभी कभी। और कभी कभी क्या है, थोड़ा सा एक डायनेमिक भी रहती है तैयारी, अगर बीच बीच में आप कंसल्ट करते रहें ना इंटरनेट को, तो आपको लगता है कि हाँ मेरी तैयारी जो अभी चल रही है उसका लेवल क्या है और दुनिया कहाँ तक पहुँच चुकी है, ये भी अपने को पता चलता है उससे। तो अब हम कितने पानी में हैं ये भी पता चलता है, तो इसलिए लेकिन इंटरनेट को लत मत बनाइएगा। कई बार क्या होता है, सर्फिंग के दौरान ये जरूर होता है कि भाई जैसे वो कई सारे वो होते हैं ना, तो एक विंडो हम फेसबुक भी खोल के रखते हैं, है ना, तो चार पांच वीडियो खोल के रखते हैं, तो उसमें ये नहीं पता चलता कि कब तो हम जो उपयोगी वेबसाइट थी वो देख रहे थे और कितने घंटे हमने फेसबुक में बिता दिए। तो इसलिए इंटरनेट का उपयोग करते हो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि वो मेरे लिए उतनी यूटिलिटी दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। सर मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ अभी, तो मैं जीएस की तैयारी में किस चीज़ से अपडेट रहूँ कि मुझे जब एग्ज़ाम देना है 2020 में, विजन 2020। यस सर, तो मैं किस चीज़ से अपडेट रहूँ जीएस के लिए? ऑप्शनल तो मेरा हिस्ट्री है, तो मैं समझ गया आपका सवाल, बैठ ठीक है। तो इनका मेन सवाल वैसे बेसिकली ये है कि ग्रेजुएशन के दौरान अगर कोई इस परीक्षा की तैयारी के बारे में सोच रहा है फर्स्ट ईयर में, तो किस चीज़ से अपडेट रहे, तो उसमें मैं कहूँगा एक तो मंथली मैगजीन आप जरूर पढ़ें, और एक आप एक न्यूज़पेपर कोई जो अच्छा है उसको आप रेगुलर फॉलो करें। इसके अलावा ग्रेजुएशन के दौरान आप 9 से 12 तक की सोशल साइंसेज के NCERT कंप्लीट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। और इसके अलावा जो ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं ना उसको भी ढंग से करें, ताकि कल को जब आप इंटरव्यू देने जाएँ तो फिर वो ग्रेजुएशन के सवाल पूछते हैं तो उस समय आपको ठीक से ये याद नहीं होता कि कौन कौन से विषय थे ग्रेजुएशन में। एक ऐसे ही हुआ एक ऐसे इलाहाबाद के एक छात्र थे, उनसे पूछा भाई आपका कौन कौन से विषय थे, तो उन्होंने कहा एक तो हिस्ट्री था, ऐसे ही बोला, एक हिस्ट्री था, एक पॉलिटिकल साइंस था, और एक सोशियोलॉजी था या साइकोलॉजी था। तो उन्होंने कहा कि बताओ मतलब कौन सा था सोशल, तो क्या वो जिसमें प्रैक्टिकल होता है ना वो वाला, तो ऐसा नहीं हो जाए अपने साथ। तो इसलिए ग्रेजुएशन को भी अच्छे से करना है, ऐसा नहीं। हाँ सर, बोल रहा था कि अगर मेरा GS और ऑप्शनल साथ साथ चल रहा हो और मुझे प्रीलिम्स एग्जाम भी देना है और प्रीलिम्स से 3-4 महीना पहले मेरा दोनों क्लास समाप्त हो, तो आगे प्रीलिम्स के लिए 3-4 महीने टाइम मिले मुझे, मतलब 3-4 महीना पहले मेरा क्लास समाप्त हो जाए, तो प्रीलिम्स के लिए मुझे कैसे रणनीति बना के चलना चाहिए उस समय हमको समस्या ना आए? इनका कहना ये है कि प्रीलिम्स से 4 महीने पहले इनकी क्लास खत्म हो या आप घर पर ही हैं, तो मतलब ऐसा तो मतलब उसके लिए आपको उम्मीद है कि अगर आपकी क्लास समाप्त हुई आपने सिलेबस तो एक बार पढ़ ही लिया होगा पूरा, है ना,
तो उस सिलेबस को आपको लगातार रिवाइज करना है और कुछ टेस्ट लगातार देते रहना है जीएस का भी और सीसेट का भी, ताकि आपका आपको पता चलता रहे कि आप कितने पानी में हैं और आपका स्कोर धीरे धीरे नेगेटिव मार्किंग को भी हैंडल करना सीखना होता है ना अपने को, कि नेगेटिव मार्किंग के साथ कई बार बहुत ज़्यादा आंसर कर देते हैं, कई बार कुछ लोग डर के मारे आधा ही पेपर सॉल्व करते हैं कहीं नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स ना कट जाए, तो आधा पेपर सॉल्व करके आधे के आधे ठीक भी हो गए तो भी आप पास नहीं हो पाओगे, इसलिए ये चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाती हैं। तो 3-4 महीने अगर आपके पास बचे हैं तो आप बहुत लकी हैं, आप उसका यूज़ करिए, एक तो रिवीजन करिए पूरा और दूसरे साथ में टेस्ट देते रहिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू में जो ग्रेजुएशन में मान लीजिए कोई किसी स्ट्रीम दूसरे स्ट्रीम से है और उसका कोई रिलेशन यूपीएससी की तैयारी से नहीं है, ठीक है, तो सर उस कंडीशन में ग्रेजुएशन में अगर उसके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके दिमाग में उस टाइम एट प्रेजेंट टाइम वो नहीं है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो वो फिर सर क्या करेगा वहाँ पे इस कंडीशन में, उसको क्या गोल मोल घुमाएगा या फिर डायरेक्ट बोल देगा कि मुझे नहीं आता है? अगर आप में वो स्किल है कि आप उन्हें गोल गोल घुमा सकते हो तो घुमाओ भाई। सर लेकिन ऐसा हो नहीं सकता सर, वो क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस होल्डर होंगे। तो क्या हो गया यार, नहीं पता तो आप ज्यादा सॉरी बोलना, उसमें क्या है, ऐसा थोड़ी एक ही क्वेश्चन पे अटक जाएंगे, वो और भी तो क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप इस बात का तनाव मत लीजिए। और कभी भी ये सोच के भी अपना ग्रेजुएशन का विषय नहीं चुनना चाहिए कि हमको आईएएस की तैयारी करनी है उसमें ये ऑप्शनल लेना है इसलिए यही इसी में ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन तो जो आपको ठीक लगे उसी में ही करें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। एक्चुअली सर मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ, तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ऑप्शनल भी ज्योग्राफी लेना चाहता हूँ और उसमें सर मैप का कितना रोल है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन सर मैप्स भी उसमें डिफाइन करने होते हैं, तो ठीक सर अगर जैसे जीएस के कोई क्वेश्चन आते हैं या प्री के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मैप्स के अकॉर्डिंग भी आंसर देना पड़ता है, तो सर वो मैप्स का भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको कैसे डिफाइन करें? मैथ्स का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, आप थोड़ा सा एक बार ना सिलेबस को दोबारा से पढ़ लीजिए, कोई बुराई नहीं है, प्री का सिलेबस अलग है, मेंस का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, प्री में मैथ्स थोड़ा बहुत होता है वो सीसेट के पेपर में होता है जो जीएस पेपर 2 के नाम से जाना जाता है, उसमें भी अब क्वालिफाइंग हो गया है तो इसलिए उसका भी कोई ऐसा दबाव नहीं है, और जो मैथ्स होता भी है वो 10वीं तक का बेसिक होता है, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं, आप दोबारा से एक बार सिलेबस देख लीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहना चाहते हैं जी यार, पूछने वाले ज्यादा पूछे, मतलब कहने वाले कहने के लिए सवाल उसके बाद होगा। हाँ। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया हूँ, न हारूंगा उम्र भर, न हारूंगा उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से एक वादा किया। ये वही वाली बात है कि भाई केवल किसी और के सपने के लिए नहीं, अपने सपने के लिए अपने को तैयारी करनी है। आप कुछ पूछना भी है क्या? यस yes, अच्छा सवाल मेरा था सर कि जो जीएस के स्तर पर इंग्लिश पेपर का कितना योगदान, इंग्लिश क्वालिफाइंग इंग्लिश मैगजीन या इंग्लिश पेपर जो जैसे हिंदी, मैंने बताया तो था आपको जो मैंने आपने को बात की थी वही रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश हमारी इतनी भी वीक नहीं होनी चाहिए कि हम क्वालिफाइंग इंग्लिश का पेपर क्लियर नहीं कर पाए, और अगर अपने को इतनी इंग्लिश आती है कि क्वालिफाइंग इंग्लिश पास कर सकते हैं तो फिर थोड़ा बहुत हम इंग्लिश पढ़ भी सकते हैं ना, अगर अपने को कोई ऐसा कंटेंट लगता है जो बहुत अच्छा है और वो सिंपल इंग्लिश में है तो पढ़ लीजिए, उसको क्या दिक्कत है, इंग्लिश से कोई दुराग्रह थोड़ी रखना है आपको, इंग्लिश के विरोध अगर हम हिंदी के समर्थक हैं या हिंदी को प्यार करते हैं तो अंग्रेजी से दुश्मनी थोड़ी है हमारी कोई, है ना। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न ये है कि एनसीईआरटी के नोट्स किस प्रकार बनाए जाने चाहिए, या बनाए जाएं या सिर्फ हम रिवीजन पढ़े बार बार उसे पढ़ें, और सर दूसरा प्रश्न ये है कि जब मैं शुरू में यहाँ आई थी तो हिंदी लिखने में मुझे थोड़ी सी मात्रात्मक मिस्टेक होती थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा सुधार किया है, लेकिन सर मैं और चाहती हूँ कि आप बताएं कि किस तरह से मैं पूरी तरह से सुधार करूँ। देखो मैं आपको व्याकरण तो पढ़ा नहीं सकता, ठीक है कि मात्रा कैसे लगाएं कैसे नहीं लगाएं, लेकिन हाँ मैं आपकी प्रशंसा करूँगा कि आपने जो जब आप आई थी तब आपकी मात्रा लगाने में जो गलतियाँ थी उसका आपने सुधार किया है, और यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही भी थी कि अगर आपने हिंदी माध्यम चुना है तो आपको हिंदी लिखनी और पढ़नी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप दूसरा सवाल क्या था? हाँ आपने पूछा कि एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाए भी जाएँ या नहीं बनाए जाएँ, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं तो यही सलाह दूंगा कि नोट्स बना सके तो अच्छा है, और कई लोगों को बनाने का अपना अपना तरीका होता है, कुछ लोग तो किताब में अंडरलाइन करके या हाईलाइटर से भी, ये सब आपकी उस समय की विट पर उस समय की कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है
किसी बुक के आपने अलग से नोट्स बनाए, किसी में आपने उसी में अंडरलाइन करके काम चला लिया, सब एक तरह से मतलब ये ना, ये उस समय की आपकी होशियारी ही काम आती है उसमें, कोई कोई लिखा हुआ रूल नहीं है इसके लिए कि आप कैसे बनाएं, बनाएं या नहीं बनाएं। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि सब बोलते हैं अपना बेस्ट दो, आपने कहा कि अपने आप में अपना टारगेट डिसाइड करो उसके हिसाब से मोटिवेशनल, बट हर वक्त तो मैं माइंड में रख नहीं सकता हूँ ना कि हाँ मेरा ये टारगेट है, मेरा ये टारगेट है, तो कैसे अपने आप को मोटिवेशनल किया जाए। और सर ने कहा ये कि आप लिखते हो, तो अभी तक हमने आपसे दो बातें नहीं सुनी कुछ अच्छी हैं, तो बहुत सारे ने अपनी अपनी बातें कह दी है, आप दो कुछ अपनी लाइनें बहुत अच्छी मोटिवेशनल तरीके से। वो एंड में सुनाऊंगा, एंड में सुनाऊंगा, एंड में। अच्छा एंड में सर, ओके। क्वेश्चन क्या था आपका पहले वाला, कि सर अपने आप को हमेशा मोटिवेशनल कैसे रखा। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक तो आपने कहा कि मैं अपने दिमाग में हमेशा ऐसे कैसे रखूंगा कि भाई मेरा ये लक्ष्य है, ऐसा तो नहीं होता। मतलब मुझे तो कभी नहीं भूल पाया मैं जब मैं तैयारी करता था, मतलब ध्यान तो दिनों रात में कभी ना कभी रहता ही था कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उतना मोटिवेशन लेवल होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 24 घंटे आईएएस के बारे में ही सोचते रहें, फिर तो आप थोड़ा पगला क्रैक से भी हो जाएंगे ना, मतलब लोग कहेंगे भाई कुछ मामला बिगड़ गया है, थोड़ा हिल गया है मामला, है ना। ऐसा भी नहीं करना अपने को, थोड़ा सा अपने को फिजिकल वर्क भी करना है, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक जो भी है, हॉबीज़ हैं आपकी, अगर आपको थोड़ा सा बैडमिंटन वगैरह खेलने का शौक है, जो भी है, मतलब म्यूज़िक वगैरह सुनना, एक महीने में एक बार तो मूवी यार देख ही लेनी चाहिए, मतलब मैं तो ज़्यादा ही देखता हूँ। खैर तो ऐसा कुछ नहीं है, इन्हीं चीज़ों से मोटिवेशन लेवल बना रहता है। जब आपको लगता है ना यार कि मैंने इस हफ्ते अच्छी पढ़ाई करी तो अगले हफ्ते में मुझे एक पुरस्कार मिलेगा, क्या मिलेगा, मैं मूवी देखने जाऊँगा, तो ये मोटिवेशन हो गया, समझ रहे हो आप। मैं अपने को जो चीज़ अच्छी लगती है वो अपने खुद ही पुरस्कार दे दीजिए आप, कि भाई एक हफ्ता मैं बढ़िया पढ़ाई करके अपने छोटे छोटे लक्ष्य जो मैंने बनाए हैं, छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं ना, उन छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करूंगा तो खुशी भी मिलेगी और एक रिवार्ड भी मिलेगा। रिवार्ड क्या मिलेगा, अपने को पसंद है अपना थोड़ा सा मूवी देखने जाएंगे। इस तरह से आप मोटिवेशन लेवल बना के रखिए, ध्यान तो हमेशा रहेगा आपको कि मेरे को तैयारी कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसको इतना ज़्यादा दिलो दिमाग पर और अपने शरीर पर हावी भी नहीं कर लेना कि लोगों को आपके व्यवहार में एक अनायास बदलाव की आहट आने लगे और लोग आपको लेकर चिंतित हो जाए, है ना। या घर वालों को लगे यार पहले तो ठीक बात करता था, अब कुछ बहका बहका सा हो गया, है ना। हेलो सर। हेलो सर, आपने जब इंटरव्यू दिया था तो उस समय आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही थी वो जानना था। और दूसरी बात ये सर कि आपने राज्यसभा टीवी में आपने अपना इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने एक कविता सुनाया था, तो सर मैं चाहता हूँ कविता फिर से एक बार दोहराएं। ठीक है, एक तो इन्होंने पूछा है कि इंटरव्यू में कैसी फीलिंग थी आपको। अब यार मतलब ये तो वैसे ऐसा कुछ नहीं था, मैं आपको सही से बताऊँ सर, सच ऐसा कुछ नहीं था, मैं नॉर्मल था बिल्कुल। और आप भी जब जाएं इंटरव्यू तो सहज होकर ही जाएं, क्योंकि वरना परफॉर्मेंस और ज़्यादा ख़राब आ जाएगी। अगर आप, मैं तो ये सोचकर गया था कि मैं जो भी उत्तर जो भी पूछेंगे उसका अच्छे से अच्छा उत्तर दूंगा और बाकी जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से आप देने चाहिएगा, इससे कोई बात नहीं। सर मैं ये पूछना चाह रही थी ना कि एक्चुअली मैं अपना करियर ना हमेशा से सिंगिंग में बनाना चाह रही थी। ठीक है। और मैं बना भी रही थी। नहीं नहीं, नहीं, मतलब इसमें हंसने क्या बात है भाई। मैं बना भी रही थी बट फैमिली प्रेशर की वजह से मुझे यूपीएससी को सिलेक्ट करना पड़ा। एक मिनट दोबारा बोलिए, मतलब पहले किसे बनाना चाहती थी? सिंगिंग को। सिंगिंग में, अच्छा ठीक। तो फैमिली प्रेशर की वजह से यूपीएससी में आना पड़ा। तो कभी कभी मेरे मन में ये होता है ना, दबी ख्वाहिश के तौर पे मेरे को ये लगता ना कि कहीं यूपीएससी में कोई बाधक ना हो सिंगिंग की वजह से, और मैं फैमिली वालों को हाथ नहीं करना चाहती। क्या बात है, गजब। मतलब ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे मजबूरी में यूपीएससी को चुनना पड़ा। मतलब क्या लेवल है देख रहे हो आप। मतलब लोग तो कहते हैं यार मैं आईएएस, कई बार मैं इंटरव्यू पढ़ता हूँ कोई एक्टर्स एक्ट्रेस वगैरह, अभी हाल ही में एक का था कि मैं आईएएस बनना चाहती थी नहीं बन पाई इसलिए एक्टर बन गई, लेकिन इनका कहना ये है कि मैं सिंगर बनना चाहती थी अब मजबूरी में आईएएस में आना पड़ा। तो एक बड़ा हाई लेवल है। एनीवे ऐसा कुछ नहीं है, देखिए सिंगिंग अगर आपकी हॉबी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगी, इवन इंटरव्यू में फ़ायदा रहेगा। और जब वो पूछेंगे आपको सिंगिंग तो आप उनको बढ़िया सा गाना सुना देना, बढ़िया, नुकसान क्या है इसमें, है ना। अभी सुनाएंगे क्या? लग जा गले से कि फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर से
मुलाकात हो ना हो लग जा गले से देखा आपने आप कितना हल्के में ले रहे थे अपनी कक्षा को अभी तक देखा आपने कितनी प्रतिभाएं हैं। खैर अब वो हिंदी साहित्य वाला उत्तर देता हूँ मैं फिर अंत करते हैं। हिंदी साहित्य के लिए एक सवाल था कि हिंदी साहित्य की तैयारी कैसे करें। मोटे तौर पे मैं कहूँगा कि हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए दृष्टि के जो नोट्स हैं वो बहुत सफिशियंट हैं। बस करना ये है अपने को कि एक तो व्याख्या खंड को अगर अपने को ठीक से हल करना है तो उसके लिए अपने को सारी जो टेक्स्ट बुक है ना, मान लीजिए जितने नॉवेल हैं, उपन्यास हैं, जितने नाटक हैं या जो कविताएं जो काव्य खंड है, उस सबको एक बार पढ़ा हुआ जरूर होना चाहिए ताकि हम संदर्भ पहचान सकें, संदर्भ और प्रसंग पहचान सकें। नंबर एक। नंबर दो कि जो दृष्टि के नोट्स हैं उनमें हर चीज़ के ऊपर अच्छी सामग्री दी हुई है, आपको इतना करना है कि उस सामग्री में से अपने काम भर के नोट्स निकालने हैं, चाहे वो अंडरलाइन करके निकालें, चाहे वो अपने उसके अलावा एक और चीज़ कि जो रेफरेंस के लिए हम कोटेशंस यूज़ करते हैं ना, जैसे काव्य पंक्तियाँ या गद्य का, उसका एक रजिस्टर अलग से बना लें और उसमें जैसे कबीर है तो कबीर का रहस्यवाद अगर है तो रहस्यवाद के दो चार उदाहरण, एक आध उदाहरण, एक आध कोई जातिवाद का खंडन किया उसके ऊपर, एक आध ऐसे सूर का ऐसे बना लें। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा उदाहरण भी याद ना करें लेकिन हर कवि और हर लेखक के चार पाँच उदाहरण आपको याद होने चाहिए ताकि जब उत्तर लिखें तो उसकी उनसे पुष्टि भी कर सकें। और बहुत ऐसा नहीं कि एक उत्तर में आप 10-12 कोटेशंस लिख दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप 4-5 पैराग्राफ लिख रहे हैं तो 2-3 कोटेशंस लिख सकते हैं, लिखनी भी चाहिए, है ना। और उसके अलावा यही है कि देखो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें एंड में जब आप रिवीजन करते हैं तो बहुत कम चीज़ों का ही रिवीजन आप कर पाते हैं और वही, लेकिन वो समराइज फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। अब जैसे मान लो नोट्स है, नोट्स में तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है लेकिन अगर आपने उसके नोट्स बनाए हुए हैं या उसमें अंडरलाइन किया हुआ है तो आप एग्ज़ाम टाइम पर रिवीजन भी कर पाएंगे और उसको एग्ज़ाम हॉल में जाके प्रोड्यूस भी तो करना है, आउटपुट भी तो देना है ना। इनपुट तो बहुत सारा भर लिया लेकिन उसको आउटपुट देना भी तो अपने को आना चाहिए ना। तो उसके लिए आप या तो नोट्स बना लें या उसको कहीं ना कहीं अंडरलाइन करके साथ में कोटेशंस का एक अलग से रजिस्टर बना के आप कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। हिंदी साहित्य बहुत अच्छा और रोचक विषय भी है और अंक भी अच्छे आते हैं, आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इसी हैप्पी नोट पर ख़त्म करते हैं आज के इस सेमिनार को। और जैसा कि आप में से कई लोगों ने कहा कि मैंने कुछ नहीं सुनाया तो मैं एक कविता अपनी सुनाया था। ये कविता एक ऐसी कविता है जो मैंने तैयारी के दौरान ही लिखी थी। और होता है ना कभी कभी हम खुद से कोई वादा करते हैं या कोई संकल्प लेते हैं, तो उस तरह से मैंने भी कुछ अपने रिजोल्यूशंस लिए थे इस कविता के माध्यम से और ये कविता शायद ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस कविता को अच्छे से सुनें और अपने साथ लेकर जाएं, अपने मन में इसको बसा कर जाएं। तो कविता इस तरह से है कि सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए, सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए, जीतेंगे हर हारी बाजी मन में यह विश्वास लिए। उहा पोह अटकलें उलझने अवसादों का कर अवसान, उहा पोह अटकलें उलझने अवसादों का कर अवसान, हो बाधाएं कितनी पथ में चेहरों पर बस हो मुस्कान। ठीक है, और अंतर मन में भरी हो ऊर्जा, अंतर मन में भरी हो ऊर्जा, नई शक्ति का हो संचार, और डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार। और ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर, ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर, धुन के पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। और अंतिम पंक्तियां हैं कि जगे ज्ञान और प्रेम धरा पर, जगे ज्ञान और प्रेम धरा पर, गूंजे कुछ ऐसा संदेश, नई चेतना से जागृत हो सुप्त पड़ा है मेरा देश, नई चेतना से जागृत हो। थैंक यू। निशांत जी आए और समय दिया इन्होंने, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये परंपरा आगे भी चल रही होगी कि जिस तरीके से आज निशांत को आप सुन रहे थे, आपको आने वाली पीढ़ी सुन रही होगी। कुल मिलाकर
आज के इस सेमिनार की, कार्यक्रम की इस सफलतापूर्वक संपन्नता के लिए आप लोगों को धन्यवाद भी दे रहा हूँ, और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हम भी मिलेंगे आपसे बाद में।